गुड इवनिंग एवरीबॉडी लेट क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है लंबे इंतजार के बाद फिर हम लेकर आ गए हैं एग्रीकल्चर क्योंकि पिछले वर्ष इस पर सवाल बहुत ही ज्यादा पूछे गए थे ऐसी कोई संभावना हम वही व्यक्त कर रहे कि इस बार भी एग्रीकल्चर पर सवाल आएंगे ऐसा कोई हमारा ना जमशन है ना हम आपसे कह रहे हैं लेकिन सावधानी के तौर पर इस टॉपिक को बेहतर करने का प्रयास हम जरूर करेंगे आज की दो ढाई घंटे की कक्षा में हम एग्रीकल्चर के हर पहलू को छूना चाहेंगे हम चाहेंगे कि एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई लगभग सारी बातें कवर हो जाए मेरा प्रयास है कि लगभग सारी बातों सारे डायमेंशन कवर हो जाए हमारी टीम ने भी लगभग पिछले दो दिन 48 घंटों में इसको रेडी किया है और उम्मीद है कि लगभग सारे डायमेंशन कवर किए होंगे लेकिन फिर भी हमने एक और नया प्लानिंग यह कर लिया है कि आज की कक्षा के बाद कल शाम पांच बजे अन लर्निंग एप पर एक स्पेशल क्लास क्वेश्चनों की रख देंगे सौ सव सवालों की सौ सव क्वेश्चन एग्रीकल्चर पर उसमें पिछले दस वर्षों के जितने भी एग्रीकल्चर पर सवाल आए हैं वो भी डाल देंगे और नए सवाल जो भी बन सकते हैं आज की कक्षा से उसे भी तैयार कर लेंगे ताकि एक ही बार में लगभग सारी बातें कवर हो जाए आइए शुरुआत करते हैं एग्रीकल्चर की एग्रीकल्चर एक्चुअल में ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स दोनों का हिस्सा माना जाता है और इसी कारण से एग्रीकल्चर को हम ज्यादा महत्व देते हैं पर पिछले वर्ष एग्रीकल्चर के सवाल बहुत ज्यादा थे और इसी को ध्यान में रखते हुए हम बातचीत करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर पर एक कंप्लीट प्रिपरेशन की तो सभी लोग ढाई घंटे के लिए लगभग आप फ्रीज हो जाइएगा ढाई घंटे के लिए मतलब हिलना नहीं है पूरी तरह से एक शिद्दत के साथ एक ईमानदारी पूर्वक इस विषय को कवर करना है विषय थोड़ा सा बोर करने वाला जरूर है लेकिन पूरा प्रयास रहेगा कि एग्रीकल्चर के बारे में आपको कुछ अद्भुत और बेहतर जानकारी पहुंचा सके आइए शुभारंभ करते हैं आज की कक्षा का एग्जाम रस एक्सक्लूसिव हमारा चैनल है जीवन के सभी रसों का आनंद सिर्फ एक रस में प्रतिदिन दस बजे यहां पर भी कक्षा होती है यदि आप अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो भारत के टॉप एजुकेटर के साथ जुड़ने का एक बेहतरीन मौका आपके पास है पांच मई से कई सारे नए बैच स्टार्ट किए गए हैं यदि आप स्कॉलरशिप टेस्ट के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास यूपीएससी कॉम्बेक टेस्ट सीरीज भी है यहां पर आपको संडे हिंदी माध्यम में आप टेस्ट दे सकते हैं और हर टेस्ट में आपको डिस्काउंट मिलता है जैसे आपकी रैंक 200 है तो आपको 25 परसेंट तक का डिस्काउंट मिल सकता है जितनी रैंक अच्छी रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपको डिस्काउंट रहेगा टॉप थ्री रैंकर को फ्री ऑफ कोर्स दिया जाता है टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर दी गई है संडे के दिन आप एक मई से टेस्ट देना शुरू कर सकते हैं इस समय यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते तो आपको एक तो प्रिंटेड नोट मिलेंगे मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर मतलब 31 जुलाई तक का ऑफर रहेगा लोन की सुविधा है 10 परसेंट का डिस्काउंट एमके लाइव रिफर कोड उपयोग करते चलिएगा एक ही सब्जेक्ट कई सारे एजुकेटर ये रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं बल्कि लाइव क्लासेस हैं हर तीसरी चौथी क्लास के बाद डाउट क्लियरिंग सेशन होता है सीधा एजुकेटर से आप अपने डाउट पूछ सकते हैं ये सबसे यूनिक कैरेक्टर है जो शायद आपको ऑनलाइन में कहीं अवेलेबल नहीं होगा एमके लाइव रिफर कोड हमसे ही क्यों जुड़े क्योंकि एक लोते एजुकेटर है जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस तैयारी कराते हैं हमने पैंसठ से ज्यादा प्रश्न कटपेश करके आपको प्रूफ सहित दिखाए हैं नब्बे सवाल मेन्स के भी मैंने आपको प्रूफ सहित दिखाए थे सिंपल स्ट्रेटजी है पहले नोट्स बनाएंगे फिर रिविजन करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे टेस्ट देंगे और एग्जाम क्वालिफाई करेंगे आप कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान में एमके लाइव रिफर कोड टेन परसेंट इंस्टेंट डिस्काउंट के लिए उपयोग कर सकते हैं कल सुबह दस बजे एक और क्लास है कल सुबह दस बजे जनवरी दो हजार वीडियो की अद्भुत श्रृंखला का पहला वीडियो कल दस बजे आने वाला है और आप लोगों की डिमांड पर प्राचीन भारत का इतिहास शनिवार सुबह आठ मई शनिवार आठ मई सुबह दस बजे हम बातचीत करेंगे भारत के एंशंट हिस्ट्री पर आइए शुरुआत करते हैं क्या क्या कवर करेंगे आज हम <coughs> आइए लाल लालियो शुरुआत करते हैं कि क्या क्या कवर करेंगे आज की इस कक्षा में कौन कौन सी बातों पर हमारा फोकस होगा ध्यान से देखते चलिएगा भारत में खाद्य प्रसंस्करण भारत की महत्वपूर्ण फसलें सार्वजनिक वितरण प्रणाली उपनिवेशिक काल में में भारतीय भारतीय कृषि कृषि 1950 से 90 तक भारत में फसलों का पैटर्न उसे निर्धारित करने वाले कारक करंट अफेयर भारतीय कृषि की वर्तमान स्थिति भारत में कृषि के समक्ष चुनौतियां भूमि सुधार और सिंचाई कृषि के विभिन्न प्रकार विभिन्न कृषि क्रांतियां कृषि विपणन तंत्र न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि सब्सिडी आज हमारा जो टारगेट है इन सभी बातों को कवर करने का है आइए सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं भारतीय कृषि की वर्तमान स्थिति ध्यान से सुनना मेरी बातों को आपसे जब भी एग्रीकल्चर के बारे में कोई भी पूछे तो जिंदगी में कुछ याद रहे ना रहे चार बातें जरूर याद होनी चाहिए और उन चार बातों में सबसे पहली बात जो आपको हमेशा याद होनी चाहिए कृषि राज्य सूची का विषय है यह राज्य सूची का विषय है स्वामीनाथन साहब कहते हैं कि इसे सूची में डाला जाए स्वामीनाथन भारत के बहुत जाने माने कृषि वैज्ञानिक हैं भारत की हरित क्रांति के प्रणेता माने जाते हैं राज्य सूची की जगह वो कहते हैं कि समवर्ती सूची में डाला जाए लेकिन माना जाता है कि समवर्ती सूची में डालने पर कृषि पर विवाद बढ़ेंगे केंद्र और राज्य के बीच में बाकी कोई बेहतर चीज नहीं हो पाएगी और इसीलिए इसे राज्य सूची में डाला गया है राज्य सूची में डालने का एक और बड़ा कारण है क्योंकि हमारे देश में तीन प्रकार की शासन व्यवस्था है केंद्र स्तरीय राज्य स्तरीय और स्थानिक स्तर पर पंचायतें तो कहीं ना कहीं राज्य सूची में रखने से पंचायतों के अंडर में रहेगा तो ज्यादा बेहतर काम कर पाएंगे आज भी भारत में सबसे ज्यादा रोजगार अगर कहीं मिलते हैं आज भी भारत में सबसे ज्यादा रोजगार यदि कोई देता है तो वो कृषि है सिक्सटी परसेंट आबादी आज भी भारत की कृषि पर निर्भर है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जीडीपी में कृषि का जो योगदान है वो लगभग सत्रह परसेंट के आसपास है और यह अपने आप में एक अद्भुत स्थिति है वैसे माना जाता है कि जीडीपी में कृषि का योगदान कम होना चाहिए हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कुछ ही समय में क्लियर करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करें कृषि के मामलों में तो भारत में आज भी कृषि आयात और निर्यात के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान रखती है तो चार बातें भारत में कृषि राज्य सूची का विषय है 60 परसेंट का रोजगार 17 परसेंट जी और आयात निर्यात आइए जानते हैं देश की लगभग 55 प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है कहां से लाया सर आपने ये डाटा तो हमारे देश का इकोनॉमिक सर्वे हमें ये बताता है कि 55 परसेंट आबादी डायरेक्टली एग्रीकल्चर पर निर्भर है लेकिन डायरेक, डायरेक्ट इनडायरेक्टली अगर हम बात करें तो 60 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है जीवन जीने के लिए 1951 में जीडीपी में कृषि की भागीदारी बावन प्रतिशत थी वर्तमान में जीवीए में कृषि की भागीदारी लगभग 18 परसेंट है हमारे देश में जब से हमें आजादी मिली है लगातार जीडीपी में कृषि की भागीदारी कम हुई है पर प्रतिशत रूप में कम हुई है जरा मेरी बात ध्यान से सुनना सभी लाल लालियों। कृषि में ये जो बावन से अठारह परसेंट हो रहा है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है प्रतिशत रूप में कृषि की भागीदारी कम जरूर हुई है लेकिन मात्रात्मक रूप में भागीदारी बढ़ी है ध्यान से समझिएगा एक्चुअली कल्पना करिएगा कि उन्नीस में हमारे देश के लोग सौ रुपए कमाते थे उसमें बावन रुपए हम कृषि से कमाते थे लेकिन वर्तमान 2021 में हमारे देश के लोग दस हजार रुपए कमाते हैं और उस दस हजार में अठारह परसेंट मतलब अठारह सो रुपए हम कृषि से कमाते हैं तो बावन रुपए से अठारह सौ रुपए की कमाई हमारी कृषि में हुई है इसे इस उदाहरण से समझना एक्चुअली हमारे देश का जीडीपी इतना बड़ा हो गया कि उसमें कृषि का जो योगदान बढ़ने के बावजूद भी प्रतिशत रूप में कम हो गया है तो ऐसा मत सोचना कि कृषि का योगदान कम होने का मतलब कि कृषि की उत्पादकता कम हुई है नहीं हमारे देश का कृषि उत्पादन कई गुना बढ़ गया है लेकिन जीडीपी का रिस्पेक्ट में वहां परसेंटेज कम हो रहा है वैसे इस विश्व में परिभाषा दी जाती है कि यदि किसी देश में कृषि का जीडीपी में अनुपात घट रहा हो तो ऐसा देश विकासशील माना जाता है आपको यदि विकासशील विकसित और अल्प विकसित देश बताने हो कृषि के आधार पर तो तीनों परिभाषा में रिपीट कर रहा हूं यदि किसी देश में जीडीपी में कृषि का योगदान पांच प्रतिशत या उससे कम है तो वो विकसित देश कहलाता है अब इसका मतलब यह मत सोचना कि पांच परसेंट जीडीपी में योगदान का मतलब उनके यहां पर कृषिगत उत्पाद कम होते बिल्कुल भी नहीं हमसे ज्यादा कृषिगत उत्पाद होते हैं लेकिन उनका जीडीपी इतना बड़ा हो गया है कि उसमें पांच परसेंट भूमिका कृषि की रह गई है यदि किसी देश में कृषि का निरंतर प्रतिशत कम हो रहा हो तो उसे विकासशील डेवलपिंग कंट्रीज कहते हैं अल्प विकसित देश उसे कहते हैं जहां आज भी जीडीपी का सबसे बड़ी हिस्सेदारी कृषि से आती होगी देखो इसके पीछे का लॉजिक क्या है मेरे लाल लाली हो क्योंकि विकसित देश का मतलब वहां तकनीकी विकास हुआ होगा तो औद्योगिक क्रांति हुई होगी औद्योगिक क्रांति हुई होगी तो बड़े उद्योग लगे होंगे बड़े उद्योग लगे होंगे तो ज्यादा से ज्यादा कमाई वो उद्योगों से कर रहे होंगे इसलिए जीडीपी का बढ़ा हुआ हिस्सा या जीडीपी में ज्यादा योगदान या तो उद्योग का होगा या सेवा क्षेत्र का होगा जो अल्प विकसित देश है वहां अभी भी, भी उद्योगिकरण नहीं हुआ होगा तो वहां के गरीब सरकार वहां के गरीब जनता अधिकतर कमाई कृषि से ही करती होगी बाकी जीडीपी उद्योग से कुछ भी नहीं आता होगा इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जहां जहां पर कृषि का प्रतिशत जीडीपी में कम होता है माना जाता है कि उद्योगिकरण वहां पर फल फूल रहा होगा और इसीलिए विकसित और विकासशील देशों की परिभाषा इस आधार पर दी जाती है तो जहां पर उन्नीस में जीडीपी में कृषि की भागीदारी बावन परसेंट थी 2021 में 2021 के इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है कि 2020 में भारत में जीवीए में कृषि की भागीदारी अठारह परसेंट है भारत में कृषि में मशीनीकरण चालीस परसेंट हुआ है मशीनीकरण का अभिप्राय है कि कृषि में परंपरागत प्रौद्योगिकी की जगह पर आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाने लगा है लगभग चालीस प्रतिशत भूभाग पर जो कृषि होती है वहां मशीनीकरण उपयोग होता है विकसित देशों में यह नब्बे परसेंट तक हो चुका है और इसी कारण से हम विकासशील देशों की श्रेणी में माने जाते हैं वित्तीय वर्ष दो हजार में भारत के कुल जीविए में लगभग सात परसेंट की गिरावट आई लेकिन इकलौता कृषि क्षेत्र भारत में दमदार वृद्धि के साथ इस भारत की पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था में जान फूकने की ताकत रख चुका है जबकि कृषि क्षेत्र का जीवीए में तीन दशमलव चार परसेंट की वृद्धि रही है उन्नीस से कृषि उत्पादकता के और कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है खाद्यान्न में भारत अब लगभग आत्मनिर्भर हो चुका है और निर्यात में कृषि क्षेत्र के योगदान में लगातार वृद्धि हो रही है यहां एक फैक्ट मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा लाल ऐसी पंचवर्षीय योजना रही जिसमें कृषि में नकारात्मक वृद्धि रही है एक ही ऐसी पंचवर्षीय योजना जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना जहां कृषि क्षेत्र में नकारात्मक वृद्धि रही अन्यथा ऐसी कोई पंचवर्षीय योजना नहीं रही जिसमें कृषि क्षेत्र निगेटिव ग्रोथ दर्शा रहा हो तो केवल और केवल तीसरी पंचवर्षीय योजना और जबकि पिछला साल सबसे बुरा साल गुजरा था उस समय में भी कृषि ने तीन दशमलव चार प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्शाई है जबकि पूरा जीवीए लगभग सात परसेंट से गिर चुका था भारतीय कृषि में लगभग पैतालीस प्रतिशत क्षेत्र सिंचित है इसका मतलब आज भी हमारे देश में पचपन परसेंट भाग मानसून पर निर्भर है इंतजार करता है भारत का किसान कि कब मानसून आएगा इंतजार करता है कि कब बुआई होगी इंतजार करता है कि बुआई सफल होने के लिए वर्षा होनी चाहिए पचपन परसेंट आजादी के सत्तर साल के बाद भी पचपन परसेंट भूभाग हमारा आज भी असिंचित है सिंचित का मतलब है कि जहां पर वर्षा के न होने पर पानी की उपलब्धता है 45 परसेंट भूभाग पर सिंचित कृषि होती है 55 परसेंट कृषि मानसून पर निर्भर है आज भी हमारे देश में दो तिहाई कृषि खाद्यान्न फसलों की है क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है और कृषि पर इतनी निर्भरता है कि कोई भी किसान कमर्शियल क्रॉप वाणिज्यिक फसलें उगाने से पहले अपनी रोजी रोटी और भोजन के प्रबंध के लिए कृषि कार्य करता है वह गेहूं बोता है चावल बोता है मक्का बोता है खाद्यान्न फसलों को वह उपयोग करता है खाद्यान्न फसलों की वह बुआई करता है आज भी दो तिहाई फसले दो तिहाई भूमि पर हम खाद्यान्न फसले लेते हैं नगदी फसलें बहुत ही कम है नगदी फसले जिन्हें कहते हैं कि हम उसको बेचकर पैसा ला सकते हैं उसे खाया नहीं जा सकता है जनरली भोजन के रूप में उसका उपयोग नहीं होता जैसे कपास जूट गन्ना ये नगदी फसलें कहलाती हैं कृषि में अनुसंधान और विकास पर खर्च जीडीपी का केवल पॉइंट फोर जीरो परसेंट है स्वामीनाथन साहब के अध्यक्षता में 2005 में कृषि आयोग बनाया गया था उनका कहना है कि जीडीपी का पांच परसेंट तो ही कृषि क्षेत्र में खर्च होना चाहिए और अब निश्चित ही खर्च होना चाहिए क्योंकि आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन होगा आने वाले समय में ऐसे लॉकडाउन और महामारी की समस्या आएगी आने वाले समय में जनसंख्या और बढ़ेगी तब ऐसी परिस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को यदि भोजन उपलब्ध कराना है तो आपके पास बेहतर उन्नत किस्म की फसलों के बीज चाहिए सिंचाई के ऐसे साधन चाहिए कि न्यूनतम पानी में ज्यादा उत्पादन दे सके एक साल में तीन की जगह पांच फसलें लेने की भी कोई तकनीक विकसित होनी चाहिए और अगर ऐसा नहीं हो पाया समय रहते हैं। तो आने वाले समय में खाद्यान्न संकट भारत में फिर गहराया जा सकता है इसलिए रिसर्च करना बहुत जरूरी है वर्तमान में कृषि की स्थिति बता सकता हूं पचपन परसेंट जनसंख्या डायरेक्टली साठ परसेंट इनडायरेक्टली डायरेक्टली जनसंख्या कृषि पर निर्भर है उन्नीस में जीडीपी में बावन परसेंट हिस्सेदारी थी 2020 में 18 परसेंट मशीनीकरण 40 परसेंट सात परसेंट की गिरावट इस साल हुई जीवीए में लेकिन तीन दशमलव चार परसेंट की ग्रोथ के साथ कृषि ने अपनी अर्थव्यवस्था को एक आधार प्रदान किया है 1991 से कृषि उत्पादकता और कृषि उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है खाद्यान्न में भारत लगभग आत्मनिर्भर हो चुका है निर्यात में कृषि क्षेत्र का योगदान बढ़ा है 45 परसेंट क्षेत्र अभी भी सिंचित है 55 परसेंट क्षेत्र मानसून पर निर्भर है साठ से पैंसठ परसेंट अभी भी दो तिहाई खाद्यान्न फसलें बोई जाती हैं कृषि में रिसर्च बहुत ही कम होती है आइए जानते हैं भारतीय कृषि के समक्ष चुनौतियां क्या है आज भी हमारे भारतीय लोगों को भारतीय किसानों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है सत्तर साल हो गए आजादी के लेकिन इस कृषि क्षेत्र में कई सारी समस्याएं परंपरागत रूप से बनी की बनी रह गई है क्या इन सत्तर सालों में इन समस्याओं का समाधान ढूंढा नहीं जा सकता था आवश्यकता है कि इन सत्तर सालों के हिसाब किताब के आधार पर भविष्य की रणनीति तय करने की आइए देखते हैं कि भारतीय कृषि के लिए कौन सी चुनौतियां सामने आ रही है सबसे पहले तो ज्योत का छोटा आकार मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा भारत में पिचासी परसेंट किसानों के पास ध्यान से सुनना मेरा शब्द पिचासी परसेंट किसानों के पास पंद्रह परसेंट जमीन है और पंद्रह परसेंट किसानों के पास पिचासी परसेंट जमीन है हमारे देश में कृषि का कृषिगत जो भूमि है उसका असमान वितरण है अधिकतर आबादी के पास एक हेक्टेयर या उससे छोटी ज़मीनें हैं बड़े किसान बहुत ही कम हैं और उनकी आबादी केवल पंद्रह परसेंट है लेकिन उनके पास पिचासी परसेंट जमीन का हिस्सा है ये भारत में कृषि के कृषि भूमि के असमान वितरण को दिखाता है मैं आपको कृषि संगणना से भी इसमें मुलाकात कराऊंगा हमारे देश में अभी भी बीज की निम्न गुणवत्ता है कई सारी जगह पर अच्छे उन्नत बीज आ चुके हैं लेकिन दलहन के मामले में दालों के मामले में आज भी अच्छी फसलें अच्छे बीज हमारे पास नहीं है कई सारे देशों में कई प्रकार की फसलों पर रिसर्च करके इतनी उत्पादकता वाले बीज बनाए गए हैं कि यदि वह बीज भारत में प्राप्त हो जाए तो भारत में दो गुना अनाज उत्पादन हो सकता है तो बीज की उत्पादकता अभी भी उतनी बेहतर नहीं है जितनी की, की जा सकती है क्योंकि भारत में रिसर्च बहुत ही कम हो रही है उत्पादन की पुरानी विधियां परंपरागत कृषि हमारे अधिकतर किसान या अधिकतर किसानों की अगली पीढ़ी भी वैज्ञानिक तरीके से कृषि कृषि पद्धतियों का उपयोग नहीं कर रही है जैसा उनका चल रहा है प्रचलन में वही कृषि या उसी तरीके की वो कृषि करते चले जा रहे हैं सत्तर सालों में एग्रीकल्चर कॉलेजों में कितनी वृद्धि हुई पूछिए कुछ भी नहीं क्या एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग नहीं बनाया जा सकता है बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर के लिए जितना मोटिवेट किया जाता है एग्रीकल्चर के लिए मोटिवेट नहीं करते मैं आपको एक राज की बात बता रहा हूं ध्यान से सुनना एक अद्भुत बात बता रहा हूं शायद आपको पहली बार पता चले यदि आपका कोई छोटा भाई है यदि आपके परिचय में कोई रिश्तेदार है और पढ़ने में औसत है पढ़ने में एवरेज है और अगर आप चाहते हैं कि उसे सबसे जल्दी सरकारी नौकरी मिले और आप चाहते हैं कि उसका नाम भी और एक स्टेबल लाइफ हो जाए तो उसे कहिएगा कि वह एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ले ले अगर वो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ले लेगा तो यकीन मानना ज्यादा कंपटीशन नहीं है यहां पर और अगर आपको दिल्ली का कॉलेज मिल गया दिल्ली का पूसा वाला कॉलेज मिल गया तो मान के चलिएगा कि जब आप बीएससी और एमएससी एग्रीकल्चर में कंप्लीट करते हैं ना तो एमएससी कंप्लीट करने के बाद एग्रीकल्चर में साइंटिस्ट का पद दिया जाता है साइंटिस्ट का मेरे लाल लालियो इसलिए ये ऐसा क्षेत्र है जहां आज भी प्रतिस्पर्धा बहुत कम है तो यदि आपको यदि अपनी आने वाली किसी पीढ़ी से कहना है कि भाई आई की तैयारी करना चाहते हो और सिक्योर भी चाहते हो कि आई की तैयारी करने के साथ साथ मैं अपनी जिंदगी सिक्योर भी कर लू तो कुछ मत करो एम और बी एग्रीकल्चर में कर लो मैं दावे के साथ कह रहा हूं इसकी जितनी वैकेंसी आती हैं अधिकतर वैकेंसी में कंपटीशन नहीं के बराबर होता है कई बार साठ लोगों की भर्ती के लिए चालीस लोग ही अप्लाई करते हैं ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है इसलिए यदि आपके कोई परिचय में एक सिक्योर लाइफ चाहता है तो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट दिलाइए खाली पड़ा हुआ है अभी भी मार्केट यहाँ का और भारत के वैज्ञानिक पूरे विश्व में जाने जाते हैं इसलिए भारतीय वैज्ञानिकों और रिसर्चर की पूरे विश्व में डिमांड है एग्रीकल्चर के मामले में इसलिए एक मतलब हम कह सकते हैं कि एक सिक्योर अगर आपको लाइफ स्टाइल चाहिए तो आप एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन और पीजी करने के लिए मोटिवेट करिए अपने पड़ोसी और कोई टॉपर अगर गलती से इसमें आ जाए एक और छोटी सी बात अगर कोई टॉपर गलती से इसमें आ जाए तो यकीन मानिएगा पूरे भारत में बहुत जल्दी फेमस होगा क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं अधिकतर टॉपर लोग क्या होते हैं इंजीनियर मेडिकल जो कुछ बच गए एमबीए और जो छन कर बच गए वो आई में आ गए तो यहां कोई बचता ही नहीं है बहुत रेयरली आपको रेयरली ऐसे टॉपर मिलेंगे जिसे आप कहोगे कि अरे इसमें थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे बहुत अच्छा स्कोप है यहां पर मैं आपको बता दे रहा हूं इसलिए अपने आने वाली पीढ़ी या फिर वर्तमान में आपके छोटे भाई बहन कोई भी हो उन्हें कहिए यदि एक सिक्योर लाइफ चाहते हो तो इससे बेहतरीन कोई नहीं है और यकीन मानना मेरी बात आपको याद आएगी अगर उन्होंने एग्रीकल्चर में बीएससी और एमएससी कर दिया तो इससे ज्यादा बेहतरीन ग्रोथ कहीं नहीं होगा तो उत्पादन की पुरानी विधियां हमारे देश में कृषि की चुनौतियों में जोत का छोटा आकार मतलब कृषि भूमि का छोटा आकार बीज की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है आज भी परंपरागत तरीका है कीट और बीमारियां आज भी हमारे कई सारी फसलों का बर्बाद होने में बड़ा कारण कीट और बीमारियां हैं कई बीमारियां तो जानकारी भी नहीं आ पा रही है क्योंकि रिसर्च नहीं हो रही है कई बीमारियां कई कीटों के बारे में नए नए कीट आजकल देखे जा रहे उन पर कोई रिसर्च नहीं हो पा रही है और भंडारण आपको सुनकर अचरज होगा हमारे देश में हर साल उतना अनाज बर्बाद हो जाता है उतना अनाज बर्बाद हो जाता है जितना यूरोप के लोग पैदा करते हैं मेरी बात ध्यान से सुनना और इसका रीजन क्या है हमारे पास बेहतरीन कोल्ड स्टोरेज नहीं है कल्पना करिए केवल इतनी कल्पना करिए मेरे साथ कि वो सारा अनाज कोल्ड स्टोरेज में रखकर हमने उससे फूड प्रोसेसिंग किया हमने उससे आटा बनाया ब्रेड बनाया और वही ब्रेड पिज्जा वालों को बेच दिया यूरोप वालों को बेच दिया तो हम अपने आयात निर्यात में बहुत पैसा कमा सकते हैं यह अद्भुत है कि भारत में जितना साल भर में अनाज केवल स्टोरेज के न होने के कारण बर्बाद होता है उतना यूरोप वाले पैदा करते हैं एक अच्छी सी बात मुझे याद आ गई है देखना मैं शेयर कर रहा हूं वैसे इससे जुड़ी हुई नहीं है ध्यान से सुनना एक्चुअली मैंने शायद एक बार कभी बताया भी था डेनमार्क के कुछ लोग उन्नीस सौ अट्ठानवे की ये बात है डेनमार्क के कुछ लोग भारत जब घूमने आए थे तो उनमें से दो लोगों ने एक भारतीय की हत्या कर दी थी और वो डेनमार्क भाग गए थे तब हमारी सरकार ने प्रत्यार्पण संधि के माध्यम से डेनमार्क से कहा कि उन नागरिकों को आप भारत को सौंपिए क्योंकि उन्होंने भारत में अपराध किया है और भारत की कानून व्यवस्था उन्हें सजा देगी तो डेनमार्क का कहना है कि हम भारत को उन्हें तब सौंपेंगे जब भारतीय जेलों में थ्री स्टार होटलों की सुविधा होगी एक्चुअली डेनमार्क यूरोप का ऐसा देश है जो दूध उत्पादन में सबसे अग्रणी है और वहां थोड़ी सी व्यवस्थाएं अच्छी है डेनमार्क को इस बात का बड़ा गुरूर है कि वह दुग्ध उत्पादन यूरोप में सबसे टॉप पर है पर डेनमार्क के भूल जाता है कि जितना दूध वो उत्पादित करता है उतना भारतीय सुबह की चाय में खत्म कर देते हैं पर उस समय स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी लेकिन 2012 में आ, फिर से ऐसा इटली के नागरिकों ने किया था लेकिन इटली के नागरिकों को, को गिरफ्तार करवाया गया था क्योंकि भारत की स्थिति तब मजबूत थी तो देश-देश की स्थिति मजबूत होने पर डिपेंड करता है आइए जरा ध्यान से देखना इटली के 2012 में थे डेनमार्क के उन्नीस सौ की कहानी थी जरा ध्यान से सुनिएगा तो भंडारण की पर्याप्त सुविधा नहीं है सिंचाई सुविधा तथा तो मशीनीकरण का आज भी अभाव है सबसे ज्यादा अभाव सिंचाई सुविधा का है देखो अगर सिंचाई के साधन होते हैं तो सामान्यतः कोई भी किसान दो फसल तो ले ही लेता है लेकिन जहां सिंचाई के साधन नहीं होते हैं वहां साल भर में एक ही फसल ली जाती है मुझे गारंटी है कि मेरी इस कक्षा में कई सारे विद्यार्थी किसान परिवार से होंगे तो उन्हें याद आता होगा कि अगर उनके यहाँ पर सिंचाई के साधन नहीं है तो केवल एक ही फसल ले पाते होंगे पिताजी लेकिन अगर सिंचाई के साधन है तो कभी दो फसल तो कभी तीन फसलें भी ले लेते होंगे एक साल भर में तो सिंचाई के साधन यदि रहेंगे तो हम जमीन का बेहतर तरीके से उपयोग कर पाएंगे और ज्यादा उत्पादकता प्राप्त कर पाएंगे मानसून पर हमारी व्यापक निर्भरता है समुचित विपणन सुविधाओं का अभाव है हमारे देश में किसान को दोहरी मार मिलती है जरा मेरे दोहरी मार के शब्द को सुनिएगा यदि किसान ने बहुत ज्यादा उत्पादन कर दिया तो कीमत सही नहीं मिलती और यदि किसान ने उत्पादन कम किया तो उसका लाभ ही नहीं हो पाता है क्योंकि उत्पादन ही नहीं हो पाया उतना तो किसान एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाता है करे तो क्या ज्यादा उत्पादन करे तो कीमत नहीं मिल रही है कम उत्पादन हो तो अपने आप उसका लाभ उतना हो ही नहीं पाता है कि उत्पादन उतना हो पाता तो दोहरी मार किसान को मिलती है ज्यादा करे तो भी संकट कम करे तो भी संकट किसानों की वित्त और ऋण तक पहुंच का अभाव किसानों को आज भी ऋण नहीं मिलता है ही सरकार ने कई प्रयास कर लिए आप लोगों को पता होगा कि हमारे देश में बैंकों को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत 40 प्रतिशत ऋणों को देना अनिवार्य है जिसमें से 18 परसेंट ऋण कृषि क्षेत्र को देना जरूरी है हरेक बैंक को लेकिन फिर भी भारत में फिर भी भारत में किसानों को ऋण नहीं मिल पाते हैं और जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा है मैं आपको बता दूं कि भारत में सबसे ज्यादा ऋण कृषि क्षेत्र में कमर्शियल बैंकों के ही है वैसे कमर्शियल बैंक हम कहेंगे एस कह दीजिए पंजाब नेशनल बैंक कह दीजिए आईसीआईसीआई कह दीजिए एसडीएफसी कह दीजिए कमर्शियल बैंक सबसे ज्यादा ऋण देती है उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक और उसके बाद रीजनल रूरल बैंक के द्वारा ऋण दिया जाता है तो भारत में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग लगाने के बावजूद भी किसानों को ऋण नहीं मिलता है सूचना और मौसम के पूर्वानुमान की अभी भी उतनी उन्नत तकनीक नहीं है किसानों को पहले ही नहीं पता चल पाता है कि मानसून एग्जैक्टली कब आने वाला है सोचिए कि अगर एग्जैक्टली पता चलने लग जाए कि मानसून चार दिन में आएगा तो किसान बुआई करके सूखे में ही बीज को रख देगा बरसात होगी तो सीधा बीज का अंगुरन अंकुरन हो जाएगा तो किसान को समय भी मिल जाएगा बेहतर तरीके से यदि समय पर पूर्वानुमान मिलने लग जाए तो जोत का छोटा आकार बीज की निम्न गुणवत्ता उत्पादकता की पुरानी विधिया कीट और बीमारियों पर कम नियंत्रण भंडारण की अपर्याप्त सुविधा सिंचाई सुविधा मशीनीकरण का अभाव मानसून पर बहुत निर्भरता समुचित विपणन सुविधाओं का अभाव किसानों की वित्त विपणन मतलब मार्केटिंग हम कहेंगे कि व्यापारी सुविधाएं वित्त और ऋण तक पहुंच नहीं सूचना और मौसम पूर्वानुमान का अभाव किसानों में अभी भी एग्रीकल्चर शिक्षा नहीं है सॉइल टेस्टिंग कहां होती है कैसे होती है आज तक कई किसानों को नहीं पता चल गया चल पाया है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि जब वो किसी भी कार्यक्रम को लाए तो उसका क्रियान्वयन बेहतर तरीके से करें सरकारी नीतियां प्रभावहीन क्रियान्वयन है सरकारी नीतियों के प्रति संदेह और आक्रोश क्योंकि जिस तरीके से कानून बने हैं लगातार किसानों में अविश्वास उत्पन्न हो रहा है और कृषि ऋण के क्षेत्रीय वितरण में भी असमानता है कहीं पर कृषि ऋण ज्यादा कहीं पर कम है और जलवायु परिवर्तन किसी को जलवायु परिवर्तन से मतलब सीधा प्रभाव पड़े ना पड़े मेरी बात ध्यान से सुनना मैं एक शिक्षक हूं जलवायु परिवर्तन का मुझ पर प्रत्यक्ष प्रभाव शायद ना पड़े अप्रत्यक्ष पड़ेगा एक आई ऑफिसर पर भी जलवायु परिवर्तन का अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा देश के कई सारे नौकरियों पर जलवायु परिवर्तन का अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा लेकिन सीधा प्रभाव कृषि पर पड़ेगा क्योंकि यदि मानसून का पैटर्न बदला वर्षा का पैटर्न बदला ज्यादा वर्षा या कम वर्षा हुई तो सीधा संबंध कृषि पर है इसलिए जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा संवेदनशील वर्ग यदि कोई है तो वो किसान है और इसीलिए किसानों के लिए जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर अभी से ही कुछ कदम उठाने पड़ेंगे क्योंकि आने वाले समय में आपको आपदाएं और मिलेगी और उस आपदा का सीधा प्रभाव किसानों पर दिखाई देगा आइए जरा कृषि जनगणना पर आते हैं कृषि जनगणना शायद आपको पता हो कि हमारे देश में हर दस वर्षों में मनुष्य की जनसंख्या या आबादी की जो कैलकुलेशन की जाती है उसे सेंसस कहते हैं जैसे कि हर फरवरी में शुरू होता था 2011 के 28 फरवरी से शुरुआत होती एक जनवरी से शुरुआत होती है एक फरवरी से शुरुआत होती है इस साल अभी शुरुआत नहीं हो पाई है कोरोना महामारी के कारण इसलिए मुझे नहीं लगता है कि जल्दी जनगणना की शुरुआत होगी तो जनगणना अभी तो 2022 में शुरू हो पाएगी दूसरा हमारे देश में हर पांच साल में कृषि जनगणना की जाती है कि हमारे देश में अब कितनी जमीन पर फसल बोई जाती है कितनी जमीन बंजर है कितनी जमीन पर वन है और हर दो साल में वन रिपोर्ट आती है तो दस सालों में सेंसस जनगणना आती है पांच सालों में कृषि की जनगणना होती है और हर दो सालों में हमारे यहां पर वन रिपोर्ट पेश की जाती है हमारी जनसंख्या 2011 में आखिरी बार आई थी अब 2021 में होने वाली थी रोकी गई है कृषि जनगणना 2015-16 में हुई थी अब नई शुरू होने वाली होगी लेकिन अभी टाइम रहेगा कोरोना महामारी के कारण और वन रिपोर्ट 2019 में आई थी सोलहवीं अब सत्रहवीं दो में आएगी दसवीं कृषि जनगणना के अनुसार दसवीं कृषि जनगणना के अनुसार भारत में ज्योत का छोटे आकार प्रमुख समस्या है 2015-16 में कृषि ज्योत का औसत आकार 1.15 हेक्टेयर से घटकर 1.08 हेक्टेयर हो गया है ध्यान से सुनिएगा मेरी बात लाल लालियों ये हमारी दसवीं कृषि जनगणना के बारे में मैं आपको बता रहा हूं जो 2015-16 में हुई थी जिसके आंकड़े दो में प्रकाशित किए गए थे हमारे देश में औसतन एक व्यक्ति के पास जमीन कितनी है केवल एक दशमलव एक पांच हेक्टेयर पर वो भी अब कितनी रह गई हैं 1.08 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति मिलने वाली जमीन अगर मैं यही बात ऑस्ट्रेलिया की करूं यदि लाल लालियो यही बात मैं ऑस्ट्रेलिया की करूं तो ऑस्ट्रेलिया में प्रति व्यक्ति औसतन जमीन 200 हेक्टेयर है प्रति व्यक्ति औसतन जमीन 200 हेक्टेयर है यदि मैं पूरे विश्व का औसत लू तो पूरे विश्व का औसत भी तीन दशमलव एक दो हेक्टेयर है लेकिन भारत में अगर प्रति व्यक्ति जमीन की बात करें तो 1.08 हेक्टेयर है जो आपको दिखाता है कि भारत में प्रति व्यक्ति कृषि भूमि कितनी कम है लघु और सीमांत जोत लघु और सीमांत किने कहते हैं जिनकी दो हेक्टेयर से कम जमीन है ऐसे छियासी परसेंट किसान हमारे देश में हैं। अर्ध मध्यम और मध्यम आकार वाली जोत जिनकी दो से दस हेक्टेयर जमीन है वो तेरह दशमलव दो दो परसेंट किसान है और बड़ी जोत के किसान का परसेंटेज भी तो देख लो लाल लालियों आधे परसेंट से भी कम किसान हमारे यहां पर ऐसे हैं जिनके पास जमीन दस हेक्टेयर या उससे ज्यादा है आइए इन आंकड़ों को और बेटर मैं करके दिखा दे रहा हूं कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष में कृषि जनगणना होती है भारत का कृषि मंत्रालय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से करता है उस मंत्रालय में कई डिपार्टमेंट है कई डिपार्टमेंट है कई विभाग है उसमें से जो विभाग ये करता है कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग पहली कृषि जनगणना 1970 सौ में की गई थी और ये दसवीं कृषि जनगणना है जो 2015-16 में हुई थी अब ग्यारहवीं कृषि जनगणना होगी अब जरा समझिएगा परिभाषा के रूप में पूछा जाता है सीमांत जोत किसे कहते हैं मार्जिनल सीमांत जोत उन्हें कहते हैं जहां पर जोत का आकार एक हेक्टेयर से कम होता है अब सोचिए हमारे देश के दो तिहाई किसानों के पास जमीन का कितना हिस्सा है लाल लालयो जरा ध्यान से सुनना यह डाटा बड़ा भयानक है हमारे देश के दो तिहाई किसान ऐसे हैं जिनके पास जमीन एक हेक्टेयर से छोटी है अब मुझे एक बात बताओ 40 प्रतिशत हमने कहा कि मशीनीकरण हो चुका है कृषि में पर सड़सठ परसेंट किसान तो मशीनीकरण कभी कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि एक हेक्टेयर से छोटी अगर जमीन है लाल लालियो सोचो एक हेक्टेयर से छोटी जमीन मतलब कुछ लोगों के पास इतना जमीन का टुकड़ा है कि जिसमें ट्रैक्टर भी पलटाया नहीं जा सकता है कुछ किसानों के पास जमीन का इतना छोटा टुकड़ा है कि जहां पर ट्रैक्टर केवल एक राउंड लगा सकता है कुछ किसानों के पास जमीन का इतना छोटा टुकड़ा है कि वहां बैलगाड़ी भी ले जाना मुश्किल है कैसे मशीनीकरण करेंगे हम दो तिहाई भयानक आंकड़ा है कि भारत के दो तिहाई किसानों के पास एक हेक्टेयर से भी छोटी जमीन है और जिनके पास एक से दो हेक्टेयर जमीन है वो लगभग सत्रह दशमलव नौ परसेंट है दोनों को जोड़ दीजिए तो लगभग पिचासी परसेंट किसान ऐसे हैं जिनके पास दो हेक्टेयर या उससे कम जमीन है अर्ध मध्यम जोत किसे कहेंगे जो दो से चार हेक्टेयर की जमीन होती है लगभग दस दशमलव एक दो परसेंट किसानों के पास मध्यम जोत जिसे चार से दस हेक्टेयर की जमीन कहेंगे और हमारे देश में दस हेक्टेयर से ज्यादा जमीन रखने वाले किसान पॉइंट सेवन थ्री परसेंट है डाटा यही रखना पिछला वाला डाटा सुधार दे रहा हूं किसानों के पास थ्री परसेंट किसानों के पास दस हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है ये हमारे आंकड़े नहीं है ये दो हजार पंद्रह सोलह में जो दसवीं जनगणना आई थी उसके आंकड़े रख रहा हूं लाल लालियों मैं आपके सामने तो हमारे भारत में चुनौतियां तो आपने देख ली कि कितनी है भारत में किसानों के पास बहुत छोटी जमीन के टुकड़े हैं बहुत मानसून पर निर्भरता है आज भी हमारे देश के अधिकतर किसान अनाज को उत्पन्न करते हैं क्योंकि वो दो वक्त की रोटी के लिए किसानी कर रहे हैं अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना हमारे देश में जो कृषि है वो भरण पोषण के लिए की जाती है इसका मतलब क्या हुआ हमारे यहां पर जो किसानी काम कर रहे हैं वो इसलिए नहीं कर रहे कि वह बहुत उत्पादन करेंगे और फिर मार्केट में बेचेंगे और फिर मुनाफा कमाएंगे जी नहीं वो तो उस जमीन पर उत्पादन इसलिए कर रहे हैं ताकि साल भर की रोटी का इंतजाम किया जा सके और इसीलिए कहा जाता है कि भारत में जो किसान हैं वो कृषि कार्य कर रहा है अपने केवल भरण पोषण करने के लिए वह अपने लाभ के लिए कुछ नहीं कर पाता है और इसीलिए भारत में अधिकतर किसान ऋण ग्रस्तता से फंस जाते हैं क्योंकि जो भी उत्पादन होता है वो उसके पोषण के लिए जरूरी हो जाता है फिर बचा कुछ बचा, उत्पादन बचता ही नहीं है तो अगले साल बीज खरीदने का पैसा नहीं अगले साल बिजली बिल का पैसा नहीं स्थिति बड़ी भयानक है और इसलिए इस डाटाओं को ध्यान रखना चाहिए आप लोगों ने मेंस की आंसर राइटिंग में कृषि से जुड़े हुए सवालों में आज की कक्षा आपके लिए बहुत जरूरी रहेगी आइए देखते भारत में भूमि सुधार क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जब भारत आजाद हुआ तो भारत की आजादी में हर वर्ग ने बढ़ कर हिस्सा लिया था किसानों ने भी भारत की आजादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस उम्मीद में हिस्सा लिया था कि आजादी के बाद हमारी सरकार बनेगी आजादी के बाद हमारी सरकार हमारे लिए कुछ बेहतर करेगी क्योंकि जमींदार बीच में आ गए थे जमींदार की जगह पर जागीरदार बीच में आ गए थे कई लोगों की खुद की जमीनें किसी और के कब्जे में थी तो उन्हें उम्मीद थी कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हमारे लिए कुछ करेगी भारत की आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने तो निश्चित ही सुधार, सुधार कानून लाए गए नवी अनुसूची बनाई गई थी भूमि सुधार कानूनों के तहत हमने आपके साथ कई बार चर्चाएं की थी और भूमि सुधार कानूनों को लागू करवाते हुए जमींदारों से कई सारी जमीने को छीना गया जब जमींदार छीनी जमीने छीनी गई तो आर्टिकल इकतीस के तहत वो सुप्रीम कोर्ट जाते थे आर्टिकल इकतीस ये कहता था कि अगर किसी भी व्यक्ति की संपत्ति से राज्य उसे हटाता है तो राज्य उसको कंपनसेट करेगा कुछ ना कुछ कंपनसेशन देगा लेकिन जमींदारों के पास जो ज़मीनें थी वहां कंपनसेशन की कोई जरूरत ही नहीं थी क्योंकि राज्य उस जमीनों को हड़प नहीं रहा था बल्कि बांट रहा था तब हमारे देश के संविधान संशोधन करते हुए पहला संविधान संशोधन भूमि सुधार कानून के तहत नवी अनुसूची बनाई गई और कहा गया कि इस कानून में जो भी बातें आएगी आप उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं आइए देखते हमारे देश में भूमि सुधारों का क्या तरीका और क्या विकल्प रहा है भूमि सुधारों का अर्थ भू स्वामित्व का उचित और न्यायपूर्ण वितरण हम चाहते हैं कि जमीन का सही तरीके से वितरण हो सके स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधारों की आवश्यकता क्यों क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में असमान वितरण था ब्रिटिश कालीन भू राजस्व प्रणाली ने बहुत सारे दोष उत्पन्न किए थे क्योंकि पूरे ब्रिटिशर्स अपने लाभ के लिए केवल किसानों का शोषण करते थे 200 वर्षों के शोषण से यह प्रताड़ित व्यक्ति थे और इनके लिए तो काम करना जरूरी था 1950 में आपको जैसे मैंने बताया कि 52% टू परसेंट जी एग्रीकल्चर से आता था और जैसे कि मैंने बताया कि 1950 में हमारे देश की 90% परसेंट आबादी कृषि पर निर्भर थी तो सबसे पहला टारगेट कृषि को ही सुधारना था खाद्यान्न की कमी थी देश में विकास दर कृषि पर निर्भर थी प्राथमिक क्षेत्र को गति प्रदान करनी थी क्योंकि जब प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादन बढ़ेगा तो हम उद्योगीकरण कर पाएंगे और भू सुधारों के बिना यह संभव नहीं था भू सुधारों के उद्देश्य थे कि कृषि में जितनी भी कमियां अभी तक उत्पन्न हुई है उसे दूर किया जा सके जेसी कुमार अपन उन्नीस में एक कमिटी बनाई गई थी इस समिति का प्रमुख कार्य भारत में कृषि भूमि संबंधी समस्याओं के स्वरूप और उनसे निपटने के उपायों को सुझाना था तो भारत में जो भूमि सुधार के लिए कमेटी सबसे पहली बनाई गई थी जेसी कुमार अपन कमिटी 1949 समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट में भू सुधारो हेतु चार घटकों की पहचान की गई और वो चार घटक क्या थे मध्यस्थ वर्गो का उन्मूलन सबसे पहले तो जमींदार और जागीरदार उन्मूलन करना होगा उन्मूलन शब्द समझना उन्मूलन का मतलब होता है इरेडिकेशन इरेडिकेशन मतलब समाप्त कर देना खत्म कर देना आज हमारे देश में कोई किसी को जमींदार या अपने आप को वो जमींदार नहीं कह सकता क्योंकि इसको हमने उन्मूलित कर दिया है समाप्त कर दिया है और यदि कोई ऐसा कहता है तो इसकी स्थिति में उस पर कानूनी कार्रवाई करते हुए उसकी जमीनों को छीना जा सकता है तो इसी कारण से हमारे देश में जमींदार अब अपने आप को कोई कहना पसंद नहीं करता है तो मध्यस्थों का उन्मूलन जोतों की उच्चतम सीमा जिसे कहते हैं हदबंदी हदबंदी का मतलब हुआ कि ज्यादा से ज्यादा एक व्यक्ति के पास कितनी जमीन होनी चाहिए काश्तकारी सुधार का मतलब है कि किसानों को जो लंबे समय से किसी जमीन पर काम कर रहे हैं उन्हें अधिकार सौंपना और कृषि के पुनर्गठन का मतलब है कि सरकार को एकीकृत होकर एक बेहतरीन प्रबंधन के माध्यम से कृषि कार्य को एक लाभ वाले कार्य में परिवर्तित करना इसी दौरान 1951 में भूदान आंदोलन शुरू हुआ था विनोबा भावे के नेतृत्व में सोचिए सोचिए भूदान आंदोलन का मतलब ये कोई रक्तदान या किसी प्रकार का शरीर के अंग की दान नहीं है जमींदार खुद अपनी जमीनों को लौटा देते थे दान कर देते थे विनोबा भावे जी के नाम पर विनोबा भावे से प्रेरित होकर ग्राम दान आंदोलन भी शुरू हुआ था पर ये ज्यादा लंबा नहीं चल पाया जैसे इसमें सरकारी हस्तक्षेप बढ़ा उन्नीस में गांव में भूमि स्वामियों को उनके भूमि अधिकारों को त्यागने के लिए सहमत करना पूरे के पूरे गांव के जो जमींदार हैं वह अपने भूमि अधिकारों को त्याग कर देते थे तो यह ग्राम दान आंदोलन भूदान आंदोलन भी शुरू किया गया था भूदान आंदोलन ग्राम दान आंदोलन एक नैतिक माहौल का निर्माण किया जिससे बड़े जमींदारों पर दबाव पड़ा किसान और भूमिनों के बीच राजनीतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन किया किसानों को संगठित करने हेतु आधार निर्मित किया सरकार के भूमि सुधार संबंधी कानूनों की प्रभावशीलता भी इन आंदोलनों से बढ़ी अब शायद आपको एक कहानी समझ में आई होगी कि जब नवी अनुसूची बनाई गई तो वहां पर जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा क्यों कर दिया होगा कि इस पर कोई न्यायालय नहीं जा सकता क्योंकि जिनकी जमीनें छीनी जा रही थी वो कोई गरीब लोग नहीं थे बहुत ही संपन्न शिक्षित और कानूनी जानकारी रखने वाले लोग थे और वो बार बार सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे मूल अधिकार इकतीस के नाम पर और इसी कारण से नवी अनुसूची बनाने की आवश्यकता महसूस की गई होगी जो पॉलिटी में कहानी आप जानते हैं कि नवी अनुसूची जनरली उस पर कहा जाता है कि न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता आज किया जा सकता है तो उसके पीछे थे ये जमींदार लोग पढ़े लिखे भी थे कानूनी जानकारी भी रखते थे और इतने संपन्न थे कि न्यायालय के दरवाजे खटखटाने की ताकत रखते थे अब आते हैं सिंचाई भारत में जो कृषि संगणना है वो सिंचाई के बारे में क्या बताती है फसल की वृद्धि और विकास के लिए कृत्रिम रूप से जल की व्यवस्था करना इसे कहते हैं सिंचाई सिंचाई संबंधी सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े वर्तमान में देश में शुद्ध बोया गया क्षेत्र सोलह करोड़ हेक्टेयर है इस शुद्ध बोए गए क्षेत्र का लगभग इक्कावन प्रतिशत भाग कृषि के अंतर्गत आता है समझना जरा बोया गया क्षेत्र में फिफ्टी वन परसेंट भाग एग्रीकल्चर का आता है नहीं तो बोए गए में तो वानी की भी होती है फॉरेस्ट्री भी होती है चार परसेंट पर चारा गह है इक्कीस प्रतिशत भूमि पर वन है और चौबीस प्रतिशत भूमि बंजर अथवा बिना किसी उपयोग के है सभी लाल लाली ध्यान से सुनना हमारे देश में सोलह दशमलव दो करोड़ हेक्टेयर की जमीन को हम शुद्ध बोया गया क्षेत्र मानते हैं शुद्ध बोया गया क्षेत्र शुद्ध बोया गया क्षेत्र और इसके चार हिस्से हैं, चार हिस्से हैं और जरा देखना हंड्रेड परसेंट हो रहा है कि नहीं फिफ्टी वन परसेंट में कृषि के अंतर्गत आता है चार परसेंट जमीन चारा गह है जिस पर बहुत बड़े बड़े घास के मैदान हैं ज़मीन पर वन है, लगभग और ट्वेंटी फोर परसेंट जमीन अभी भी देश में बंजर पड़ी हुई है या अभी उसका उपयोग नहीं किया गया है जरा देखिए कि फोर्टी नाइन और फिफ्टी मतलब फिफ्टी वन हंड्रेड परसेंट हो रहा है या नहीं लाल लालियो? ये जोड़ हंड्रेड परसेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है तो सोलह दशमलव दो करोड़ हेक्टेयर जमीन है अगर आपसे कोई पूछे भारत में कितनी जमीन है जिस पर किसानी या कोई ना कोई कार्य हो रहा है सोलह दशमलव दो करोड़ हेक्टेयर सोलह दशमलव दो करोड़ हेक्टेयर आइए जरा एक फास्ट एंड फिंगर देख लेते हैं फास्ट एंड फिंगर देख लेते हैं। कितने लाल लाली मेरे साथ बिल्कुल मग्न होकर तैयारी कर रहे हैं भारत में कितने प्रतिशत लोग प्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़े हुए हैं कितने प्रतिशत इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार कितने प्रतिशत लोग प्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़े हैं तेजी से कमेंट्स करते चलिएगा बिल्कुल तेजी से फ्लो होना चाहिए कमेंट्स का कितने प्रतिशत लोग पचपन प्रतिशत लोग पचपन प्रतिशत लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कुल कितने लोग कृषि पर निर्भर है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कुल कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर है साठ परसेंट साठ परसेंट बहुत ही बढ़िया तीसरा तीसरा भारत के जीवीए में कृषि का योगदान कितना है वर्तमान में भारत के जीवीए में कृषि का योगदान वर्तमान में कितना है वर्तमान में जीवीए में जीवीए में वर्तमान में अठारह परसेंट बहुत ही खूबसूरत सबसे पहले कोमल रानी बहुत ही बढ़िया अठारह परसेंट अठारह परसेंट उन्नीस सौ में जीडीपी में भारत के जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी कितनी थी 1950 में हमारे देश के जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी कितनी थी बावन परसेंट बावन परसेंट बावन परसेंट बहुत ही खूबसूरत बावन परसेंट कृषि किसका विषय है केंद्र का संघ सूची का केंद्र और मतलब समवर्ती सूची का और राज्य सूची का कृषि किसका विषय है कृषि किसका विषय है भारत में कितने प्रतिशत किसानों के पास एक हेक्टेयर से कम जमीन है भारत में कितने प्रतिशत किसानों के पास एक हेक्टेयर से कम जमीन है लाल लालियो? कितने प्रतिशत किसानों के पास एक हेक्टेयर से कम जमीन है बहुत ही खूबसूरत सिक्सटी सेवन परसेंट किसानों के पास सिक्सटी सेवन बहुत ही बढ़िया कृष्णा देव यादव कृष्णा देव यादव सबसे पहला दो तिहाई सिक्सटी परसेंट किसानों के पास भारत में खाद्यान्न फसल कितनी बोई जाती है खाद्यान्न फसलों का हिस्सा कितना है खाद्यान्न फसल का हिस्सा कितना है खाद्यान्न फसलों की हिस्सेदारी कितनी है 65 तिहाई भी कह सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। भारत भारत में, भारत में प्रति व्यक्ति कितनी हेक्टेयर जमीन है भारत में प्रति व्यक्ति कितनी हेक्टेयर जमीन है लाल लालयू प्रति व्यक्ति कितनी हेक्टेयर जमीन है प्रति व्यक्ति वर्तमान में प्रति व्यक्ति जो हेक्टेयर जमीन बताएगी 1.08 क्या बात है 1.08 1.08 कौन सी कृषि जनगणना 2021 में होगी कौन सी कृषि जनगणना 2021 में होगी 2021 में होगी तो लाल लालियो 2015-16 में दसवीं जनगणना हुई है ग्यारहवीं होगी हमारे देश में शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है हमारे देश में शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है हमारे देश में सोलह दशमलव दो करोड़ हेक्टेयर सोलह दशमलव दो करोड़ हेक्टेयर जिसमें कितने प्रतिशत चारा का क्षेत्र है कितने प्रतिशत चारा का क्षेत्र है कितने प्रतिशत चारागाह का क्षेत्र है चार परसेंट चारागा है क्योंकि इक्यावन परसेंट कृषि पर चारागाह चार परसेंट इक्कीस परसेंट पर वन और चौबीस परसेंट बंजर हैं अभी जिनका उपयोग नहीं हो पाया है शुद्ध बोए गए बावन प्रतिशत भूभाग के मात्र अट्ठाईस प्रतिशत भाग पर लगभग साढ़े चार करोड़ हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की पर्याप्त सुविधा है जबकि देश की समस्त सिंचित क्षेत्र आठ करोड़ हेक्टेयर है ध्यान से सुनना जरा सोलह दशमलव दो हेक्टेयर में आठ हेक्टेयर के पास सिंचाई की सुविधा है जिसमें से साढ़े चार हेक्टेयर के पास पर्याप्त सुविधा है सर यह क्या बात है पर्याप्त सुविधा और सुविधा देखो पर्याप्त सुविधा का मतलब पूरे बारह महीने उनके पास पानी की कोई कमी नहीं है और सुविधा का मतलब है कि कुएं हैं, लेकिन उसमें पानी कुछ मौसम तक रहता है फिर बचे हुए मौसम पानी नहीं रहता है। नदियां हैं कुछ समय पानी रहता है बचे हुए समय पानी नहीं रहता है तो जिनके पास पर्याप्त सुविधाएं ऐसी केवल साढ़े चार करोड़ जमीन है लगभग 28 परसेंट ऐसी जमीन है हमारे देश में जिनके पास पर्याप्त सिंचाई की सुविधाएं हैं इस प्रकार कुल कृषि भूमि के लगभग बहत्तर प्रतिशत भाग पर की जाने वाली कृषि मानसून पर पूरी तरह से या आंशिक रूप से निर्भर है मानसूनी वर्षा के पैटर्न में भारी अनिश्चितता होने के कारण ही भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं क्योंकि मानसून के बारे में अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी वैज्ञानिकों के पास नहीं है आज तक भारतीय मानसून का पूरी तरह से विश्लेषण वैज्ञानिक नहीं कर पाए कि आखिर ये भारतीय मानसून बनता कैसे है जल आ, मैं जलवायु जब भारत की पढ़ाऊंगा भूगोल जब पढ़ाऊंगा तब मैं पढ़ाऊंगा भारतीय मौसम और मानसून के बारे में लेकिन आज भी एक पूर्ण सिद्धांत किसी ने नहीं, नहीं दिया है और इसी कारण से उसके बारे में अनिश्चितता ज्यादा होने के कारण हम उसे मानसून का जुआ कहते हैं लाल लालियो हमारे देश में जरा ध्यान से देखना सबसे ज्यादा नहरों के माध्यम से सिंचाई होती है इधर ध्यान से देखिएगा यह भारत के लिए है भारत में जितनी भी सिंचाई की जाती है उसमें 40 प्रतिशत सिंचाई नहरों के माध्यम से होती है पूरा पंजाब राजस्थान हरियाणा के कई क्षेत्र आएंगे इसमें उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश कुएं के माध्यम से भी सिंचाई की जाती है 37.8 परसेंट भूभाग कुएं के माध्यम से सिंचाई प्राप्त करता है दक्षिण भारत में तमिलनाडु जैसे राज्य आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में तालाब आज भी अग्रणी भूमिका निभाते हैं चौदह दशमलव पांच परसेंट और अन्य का मतलब है सेवन पॉइंट सेवन यहाँ और नलकूप है ये कुए और नलकूप है मेरे लाल लाल नलकूप का मतलब ट्यूबवेल ट्यूबवेल मतलब एक बहुत बड़ा अगर हम कहेंगे तो कुए से बहुत ही संकीर्ण होल किया जाता है 600 फीट 800 फीट की गहराई तक काफी गहराई से पानी लेकर आता है ये नलकूप ट्यूबवेल कहलाते हैं कई बार आप लोग खबरें सुन जा सुनते होंगे कि कहीं पर कोई बच्चा ट्यूबवेल में गिर गया तो बहुत गहराई में नीचे चला जाता है तो लाल लालियो नहर 40 परसेंट भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई किनसे होती है तो नहरों से इसे याद रखना है आपको सिक्वेंस पूछा जा सकता है एक बढ़िया प्रश्न यहां बन सकता है नहर फिर कुए और नलकूप नलकूप फिर तालाब तो हमारे देश में नहर कुए नलकूप और फिर तालाब इन तीनों को याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव सवाल भी बन सकता है सिंचाई की हमारे देश में दो प्रकार की विधियां हैं एक परंपरागत है हमारे देश में सिंचाई की दो विधियां है एक परंपरागत है और एक माइक्रो इरिगेशन शुरू हुआ है सूक्ष्म सिंचाई जिसमें थोड़ा खर्चा होता है आइए जरा विधियां बता देता हूं मैं आप लोगों को कई लोग किसान परिवार से जुड़े होंगे और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि उन्हें बड़ा अच्छा लगेगा कि चलो ये भी चीज पढ़नी थी जो हम डेली करते थे एक होती है सतही सिंचाई विधि और दूसरी होती है जल भराव विधि सतही सिंचाई विधि परंपरागत विधि है जिसे हमारे यहां पर जैसे मैं भी किसान परिवार से हूं तो हमारे यहां इसको कहते हैं बारे धरना मराठी टर्न हो बारे बारे धरना कहते इसको आ, मुझे आप लोग जरा कमेंट्स करिएगा आपके यहां पर जब जमीन में जब किसानी में पानी देने के लिए जाते फसलों को तो उसे आप क्या कहते हैं हमारे यहां पर बारे 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 धरना कहा जाता है बारे पकड़ना बारे धरना ऐसा टर्म उपयोग किया जाता है एक्चुअली पर मराठी हिंदी और कुछ गुजराती ये सब मिक्स हो जाता है तो बारे धरना कहते हैं आपके यहां पर क्या कहते हैं लाल लाल ये धरातलीय विधि या गुरुत्वीय सिंचाई विधि है अत्यंत प्राचीन विधि है कुल सिंचित क्षेत्र में पिंचानवे प्रतिशत इसी विधि से सिंचित है जल प्रवाह को खेत के ऊपरी भाग में फैलने के लिए खोल दिया जाता है यह समतल भूमि के लिए उपयुक्त है इसे कहते हैं बारे धरना देखना जरा ये इस तरीके से आप लोगों ने किया होगा मुझे गारंटी है कि कई सारे लोग जब इस चित्र को देखेंगे तो कहेंगे कि सर इसे ही आप कहते हैं सतही सिंचाई विधि सरफेस इरिगेशन मेथड और ये थोड़ा सा गलत डाटा है पंचानवे परसेंट नहीं हाँ अधिकतम इसी सबसे अधिक सतही सिंचाई विधि से ही पानी भरा जाता है खेतों को पानी देना खेतों को पानी देना अधिकतर लोग कह रहे हैं अधिकतर लाल लाली कह रहे हैं तो सतही सिंचाई विधि ये आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा यहां पर ऐसे खड़े होकर फिर जैसे पानी यहां से ट्रांसफर करना हो तो यहां पर एक युक्ति होती है फावड़ा मुझे लगता है कि आप लोगों ने सुना होगा तो उससे मिट्टी को खिसकाया जाएगा और यहां से पानी को दूसरी जगह भेजा जाता है एक ऐसी होरिजोनटल यहां पर नली चलती है इसका फायदा क्या है कि बहुत ही कम खर्चीली है एक आदमी दो आदमी काम कर लेता है पानी भरने का बड़ी आसान है कोई ज्यादा मशीनीकरण की जरूरत नहीं और छोटे किसानों के लिए बड़ी लाभदायक है जो ज्यादा खर्चे नहीं कर सकते हैं जल की बहुत हानि होती है कई बार पोषक तत्व बह जाते हैं कई बार ऐसा होता है कि बहुत वर्षा हो जाए तो मिट्टी भी बह जाती है अगर मान लो आप आज आपने पानी देकर आए थे जमीन को और बारिश भी हो गई तो मिट्टी भी बह जाती है कई बार अधिक जल भरा होने के कारण कई बार पानी मतलब जो पौधे हैं उनको नुकसान पहुंचता है दूसरा होता है फ्लडिंग मेथड। फ्लडिंग मेथड मतलब जल भराव वाली विधि इसमें तो पानी बहुत ही बर्बाद होता है और इसमें आप इसे क्यारी विधि थाला विधि या समोच्च विधि एक्चुअली ये जो नाम है ना ये उसके नाम है सतही वाले के, इसके नाम नहीं है थोड़ा सुधार देना इसे ये सतही वाले के नाम है क्यारी विधि जा क्यारी बनाई जाती है थाला विधि भी कहते हैं समोच्च विधि भी कहते हैं, जल भराव वाली विधि जो ऐसी विधि होती है जल भराव पूरा का पूरा पानी भर दिया जाता है इसे क्या करते हैं लोग रात के समय मोटर चालू करके आ जाते हैं और 12 घंटे मोटर चलती रहती है और पानी जहां मन हो वहां फैलते चला जाता है इसे कहते है जल भराव इसे भी आप लोगों में से कई लोगों ने शायद चावल के खेतों में ज्यादा उपयोग करते हैं जल भराव की विधि का लेकिन इसमें भी लाभ बहुत है बहुत ही कम खर्चीली है लेकिन नुकसान है कि पानी की हानि बहुत ज्यादा होती है सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जरा इसे देखना ये इज़राइल से कई सारी मेथड लाए हैं सूक्ष्म सिंचाई विधि पानी की बचत होती है प्रत्येक बूंद से ज्यादा उत्पादन के लिए यही मेथड अच्छी है सूक्ष्म सिंचाई विधि में पानी बहुत बचता है लेकिन नुकसान क्या है पैसा चाहिए इसके लिए किसान के पास पैसा नहीं है बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा मतलब चालीस पचास हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट वो किसान के लिए बहुत बड़ा हो जाता है इस प्रणाली में पानी को पाइपलाइन के माध्यम से खेत तक पूर्व निर्धारित मात्रा में पहुंचाया जाता है बागवानी फसलों में उर्वरक और पानी देने की सर्वोत्तम और आधुनिक विधि है कम पानी से अधिक क्षेत्र की सिंचाई हो सकती है पानी की बर्बादी को रोका जा सकता है जल उपयोग की दक्षता के लिए बढ़िया है जिसमें पहली है फव्वारा विधि स्प्रिंकल मेथड काफी अच्छी विधि मानी जाती है फव्वारा विधि आप लोगों ने देखा होगा कि यहां पर पूरी पाइपलाइन है और फव्वारे के माध्यम से अब आप कहेंगे सर फवारा विधि से क्या बेनिफिट है? लाल है वो वर्षा जल के समान काम करता है और मिट्टी में मेरा पॉइंट ध्यान से सुनना एक टेक्निकल टर्म बता रहा हूं हमारी जो मिट्टी होती है ना मिट्टी ये जो मृदा होती है मृदा मृदा में गुरुत्वीय जल भी होता है मृदा में गुरुत्वीय जल भी होता है मृदा में रासायनिक जल भी होता है मृदा में वाष्पीकृत जल भी होता है और मृदा में केशकत्व जल भी होता है हमारा जो पेड़ पौधे होते जो फसलें होती है वो केशकत्व कैपलरी वाटर यूज करती है लाल लालयो कैपलरी वाटर यूज करती है जड़े और कैपलरी का मतलब क्या है तो मिट्टी में छोटी छोटी जो कैपलरी बनती है उस कैपलरी के अंदर का पानी जड़ों के द्वारा उपयोग किया जाता है तो वो कैपलरी वाटर ऐसे फव्वारों से काफी ज्यादा मात्रा में मिल पाता है इसलिए ध्यान देना इसे और ड्रिप इरिगेशन इज़राइल से लाई गई मेथड है ये इज़राइल ने हमें दिया है इसे ड्रिप सिंचाई विधि में जल को मंद गति से बूंद बूंद के रूप में फसलों के जड़ों में एक छोटी पाइप से प्रदान किया जाता है और कई बार फर्टिलाइजर भी इसमें डालकर इसे भेजे जाते हैं इससे पानी की बर्बादी तो कम होती है पानी का काफी सदुपयोग भी होता है ये देखना ये ड्रिप इरिगेशन आपने देखा होगा इसे कहते नली नली के माध्यम से और यहां पर हम जब छोटे थे तो जब कभी किसान खेत में जाते थे तो यहाँ प्रेशर कुकर जैसी डिब्बी आती थी प्रेशर कुकर जैसे होता है ना वैसी डिब्बी आती है उस डिब्बी को नली के अंदर डाला जाता है तो बूंद बूंद करके पानी गिरता है ये जो केले का फसल होता है उसके लिए बागवानी जो फसलें होती है जहां पानी बहुत लगता है उसके लिए काफी लाभदायक मानी जाती है मुझे उम्मीद है कि जो लोग इस मेथड को देखे होंगे वो आसानी से पहचान लेंगे ड्रिप इरिगेशन तो इसे कहते हैं माइक्रो सिंचाई सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियां ड्रिप सिंचाई में पैसों की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है नुकसान थोड़ा सा ये होता है कई बार नलियों में आ, हम कह सकते हैं ब्लॉकेज बन जाते हैं अगर ट्यूबवेल के पानी में कुएं के पानी में बहुत ज्यादा कैल्शियम कार्बोनेट हो फिर इसी के माध्यम से आ गए हैं फर्टिगेशन पिछले साल का सवाल अगर फर्टिलाइजर उर्वरक और सिंचाई आजकल क्या करने लगे हैं यूरिया को पानी में डाल दिया जाता है और फिर उस पानी को ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से हर फसल तक पहुंचाया जाता है तो वो ऐसा पानी होता है जो सीधा जड़ों को यूरिया प्रदान कर देता है तो इसे कहते फर्टिगेशन अगर सिंचाई के साथ फर्टिलाइजर भी डाले जाए तो उसे कहते फर्टिगेशन पिछले साल यूपीएससी ने सवाल पूछा था इस नई विधि में टपक विधि से टपक विधि मतलब ड्रिप इरिगेशन करते समय पानी के साथ साथ उर्वरक को भी पौधे तक पहुंचाया जाता है फर्टिगेशन को खेतों में उर्वरक डालने की सर्वोत्तम और आधुनिक विधि माना जाता है इस विधि में उर्वरकों को कम मात्रा में कम अंतराल पर पूर्व नियोजित सिंचाई का सिंचाई के साथ भेजा जाता है ये ड्रिप इरिगेशन के साथ साथ आजकल इस तरीके के इरिगेशन को भी यूज करने लगे हैं इसे भी फर्टिगेशन ही कहा जाता है पानी के साथ पानी के साथ बड़ी फुहार देते हुए तो फर्टिगेशन वैसे ये जो है ये फर्टिलाइजर की जगह पर कीटनाशक है कीटनाशक है लेकिन फर्टिगेशन में बिल्कुल ऐसी ही नली के माध्यम से यूरिया को भी पहुंचाया जाता है फिर कुछ योजनाएं देख लीजिए जो सिंचाई से जुड़ी हुई है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पचास हजार करोड़ रुपए की राशि के आवंटन के साथ 2015 में शुरू हुई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सिंचाई परियोजना में निवेश में एक रूपता लाना हर खेत को पानी के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना पर ड्रॉप मोर क्रॉप सिंचाई में निवेश को आकर्षित करना आ, वैसे कई किसानों को पता भी नहीं ऐसी योजना है कुछ किसानों को यदि पता चलता है तो पंचायत के माध्यम से सिंचाई के लिए सरकार सब्सिडी देती है सिंचाई के लिए कई प्रकार की सहायता देती हैं, पर कई बार सरपंच और हो सकता है पंचायतें उस पैसों को वास्तविक लोगों तक पहुंचा नहीं दे पाती अगर वास्तविक लोगों तक चीजें पहुंच जाए तो वास्तविक रूप में हमारे देश की आधी समस्याएं हल हो जाए सूक्ष्म सिंचाई कोष सूक्ष्म सिंचाई कोष माइक्रो इरिगेशन फंड प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत नाबार्ड द्वारा इस कोष का गठन किया गया है ये पांच हजार करोड़ रुपए की आरंभिक राशि सूक्ष्म सिंचाई के, के दायरे का विस्तार करने के लिए संसाधन जुटाना राज्यों की सहायता करना नाबार्ड द्वारा इस राशि को ऋण के रूप में राज्यों को दिया जाता है और राज्य सरकारों का कर्तव्य होता है कि वह इन्हें किसानों तक पहुंचाए लेकिन राज्य सरकार ऐसे ऋण लेने से बचती है और किसानों तक पहुंचाने की बात बहुत दूर हो जाती है और फिर चुनाव आता है तो कहेंगे कि ऋण माफी ऋण माफी नहीं किसान को इतना मजबूत करा दीजिए कि वो अपना ऋण चुका सके ऋण माफी से कुछ नहीं होने वाला है अब आते हैं लाल लालियों कृषि के विभिन्न प्रकारों पर क्या क्या पढ़ेंगे हम इसमें अनुबंध कृषि दीर्घकालीन कृषि मिश्रित कृषि जैविक कृषि स्थानांतरित कृषि राजकीय कृषि पूंजीवादी कृषि निगमित कृषि शुष्क कृषि समोच्च कृषि ले कृषि तैरती हुई कृषि आइए देखते हैं इतने प्रकार की भारत में तो कृषि होती है इतने प्रकार की भारत में कृषि होती है सबसे पहले समझते फसल चक्र फसल चक्र भूमि के किसी भाग पर योजनाबद्ध रूप से बदल बदल कर फसल प्राप्त करना फसल चक्र कहलाता है अगर किसी जमीन पर एक ही फसल बार बार उगाई जाती है तो उस फसल को जो लगने वाले आवश्यक तत्व होते हैं वो लगातार जमीन से खींचने के कारण जमीन में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है और जमीन की उत्पादकता घट जाती है लेकिन यदि फसल चक्र को अपनाया जाए तो पहली बार कोई फसल दूसरी बार कोई फसल तीसरी बार कोई फसल और फिर पड़ती छोड़ दिया जाए तो कभी जमीन की उत्पादकता कम नहीं हो पाती है क्योंकि एक भूभाग पर निरंतर एक ही फसल बोने से मृदा की उर्वरक शक्ति कम हो जाती है क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिय कम हो जाते हैं आइए सबसे पहले बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अनुबंध कृषि अनुबंध कृषि वर्तमान में काफी चर्चा में है क्योंकि भारत सरकार ने कानून लाया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जिस पर किसान संगठन उस कानून को वापिस लेने की मांग कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब होता है कि बुआई से पहले ही यदि किसी किसान और खरीदार के बीच में सौदेबाजी हो जाए और पूरी तरह से तय हो जाए कि जमीन से जो भी उत्पादित होगा उसे आप किस रेट में खरीदेंगे और किसान उसे किस रेट में बेचेगा तो उसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं जैसे कि एक तरीके का एग्रीमेंट होता है वैसा ही एग्रीमेंट रहता है किसान और खरीदार के मध्य एक समझौता जिसके तहत किए जाने वाले कृषि उत्पादन की प्रमुख शर्तों को परिभाषित किया जाता है इसके तहत किसान किसी विशेष कृषि उत्पाद की उपयुक्त मात्रा खरीदार को देने के लिए सहमति व्यक्त करते हैं खरीदार उस उत्पाद को खरीदने के लिए अपनी स्वीकृति देता है केंद्र सरकार का लक्ष्य 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने का भूलना मत ये 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करने का लक्ष्य था वैसे मैंने आपको इसके पहले ही बता दिया था जितने भी लक्ष्य निर्धारित किए गए थे वो कोई भी अब अचीव नहीं होंगे और यदि अचीव नहीं होंगे तो क्या कारण होगा कोरोना महामारी जब हमने एग्जाम दिया था यूपीएससी का तब 2010 पहली बार मैंने एग्जाम दिया था तब मैंने जब पढ़ा तो कोई भी समस्या हो उसका एक ही कारण होता था 2008 में अमेरिका में आई मंदी अमेरिका में आई जो मंदी थी उसका असर भारत पर था तो आपके पास भी आंसर राइटिंग के लिए एक अच्छी जगह है कोई भी असफलता आपको बतानी हो तो बताना पिछले दो वर्षों से कोरोना महामारी पूरे वैश्विक स्तर पर भारतीय स्तर पर अर्थव्यवस्था को बहुत प्रभावित कर चुकी वास्तविक रूप में हुआ भी है लेकिन क्या जितना बढ़ना चाहिए थी उतनी बढ़ पाई है वो भी एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा अनुबंध कृषि भी उन कई उपायों में से एक है जो किसानों की आय बढ़ाने में सहायक हो सकती है अनुबंध कृषि भारत के किसानों को उनकी पैदावार का न्याय संगत मूल्य दिलाने और कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने के लिए सहायक हो सकती है सरकार को अनुबंध कृषि के संबंध में समुचित निगरानी व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए जिससे किसानों के शोषण को रोका जा सके तो 2020 में भारत सरकार ने कानून लाया कृषि सेवा अधिनियम 2020 यह अधिनियम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को कानूनी वैधता प्रदान करता है यह अधिनियम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को कानूनी वैधता प्रदान करता है इसका मतलब इसके पहले अनुबंध कृषि थी लेकिन कोई कानून नहीं था यदि कोई विवाद हो जाए इसके माध्यम से किसान प्रत्यक्ष रूप से मार्केटिंग से जुड़ेगा विपणन से जुड़ेगा जिससे मध्यस्थों की भूमिका समाप्त होगी उसे किसी व्यापारी को बेचना नहीं पड़ेगा डायरेक्ट वह उपभोक्ता तो को बेच सकता है किसान को अपनी फसल का बेहतर मूल्य प्राप्त हो सकेगा कृषि और के विकास हेतु निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा किंतु इस अधिनियम में किसानों के हितों को पर्याप्त रूप से सुनिश्चित नहीं किया है जिस कारण किसान सरकार किसान सरकार के इस कदम का विरोध कर रही है केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ ही किसान प्रतिनिधियों से मिलकर राज्य और किसानों की शंकाओं का समाधान करना चाहिए दीर्घकालीन कृषि लॉन्ग टर्म फार्मिंग यदि हमें लंबे समय तक कृषि करनी है किसी जमीन पर तो उसके लिए कृषि चक्र को अपनाना पड़ेगा यदि कोई किसान कृषि चक्र को अपनाता है तो उसे कहते हैं लॉन्ग टर्म फार्मिंग दीर्घकालिक कृषि दीर्घकालिक कृषि ध्यान से सुनना रासायनिक उर्वरक व कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग से भूमि बंजर होने लगती है इसलिए ऐसी कृषि की आवश्यकता महसूस की गई जो प्राकृतिक संसाधनों को कम हानि पहुंचाए निरंतर की जा सके इसे दीर्घकालिक कृषि कहते हैं दीर्घकालिक कृषि के लिए मिश्रित कृषि मिश्रित फसल फसल चक्र जैसी विधि का उपयोग किया जाता है मिश्रित कृषि का मतलब जब कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाए और मिश्रित फसल का मतलब जब एक साथ दो फसलों को उगाया जाए फसल चक्र का मतलब फसलों को बदला जाए यहां पर हम कह सकते हैं कि एक और कृषि हो सकती है ऑर्गेनिक फार्मिंग कार्बनिक कृषि कार्बनिक कृषि आगे पढ़ेंगे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग भी लॉन्ग टर्म फार्मिंग में आएगी तो यदि कहीं किसी जमीन पर लंबे समय तक किसानी करनी है कृषि उत्पाद प्राप्त करना है तो मिश्रित कृषि अपनाइए मिश्रित फसल अपनाइए फसल चक्र अपनाइए या कार्बनिक कृषि कीजिए मिश्रित कृषि एक ही भूमि पर कृषि के साथ साथ कृषि आधारित अन्य कृषि विधियों का उपयोग मिश्रित कृषि कहते हैं मिश्रित फसल में एक क्षेत्र में दो या दो से अधिक प्रकार की फसल एक साथ उगाई जाती है जैसे गेहूं और चना जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि दो फसलें एक साथ उगाई गई हैं, तो इसे कहेंगे मिश्रित कृषि और यदि कृषि के साथ साथ पशुपालन किया जाए कृषि के साथ साथ पशुपालन किया जाए तो उसे मिश्रित कृषि और इसे मिश्रित फसल कहते हैं मिश्रित फसल मिश्रित फसल मतलब दो फसलें मिश्रित कृषि मतलब पशुपालन और कृषि फिर है कार्बनिक कृषि इसे पारिस्थिति की कृषि या इकोलॉजिकल एग्रीकल्चर भी कहते हैं पर्यावरण पर सबसे कम प्रभाव डालने वाली कृषि है यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये ऐसी कृषि है जिसमें किसी प्रकार के रासायनिक कीटनाशक उर्वरक का उपयोग नहीं होता यहां मेरी बात जरा ध्यान से सुनना सभी लाल लाली एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं आप में से कई सारे लोग किसानी कर रहे होंगे तो यदि आप अपने माता पिता को सजेशन दीजिए तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं आने वाले समय में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी क्योंकि जैसे जैसे लोग स्वास्थ्य के प्रति सजग होंगे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो यदि आप अपने जमीन पर बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर बिना किसी केमिकल कीटनाशक के उत्पादन लेकर आए अब आप कहेंगे सर बिना केमिकल फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर डालिए कौन सा गोबर जो गोबर होता है या फिर वहीं पर कोई फसल उगाकर उसे वहीं पर दबा दिया तो वो चलेगा लेकिन हम रासायनिक रूप से कोई फर्टिलाइजर वहां नहीं डालेंगे हम रासायनिक कोई कोई भी रसायन उपयोग नहीं करेंगे बीज में भी जेनेटिकल मॉडिफाइड बीज नहीं उपयोग करेंगे बिल्कुल सामान्य बीज उपयोग करेंगे शुरुआत में उत्पादन दो साल तीन साल कम मिलेगा लेकिन लाल लालियो तीन साल के बाद उत्पादन बहुत अच्छा मिलने लग जाता है और आने वाले समय में इसकी डिमांड बढ़ेगी यदि आप कभी मार्केट गए होंगे अभी तो कोरोना काल है लेकिन बीच बीच में जहां पर मार्केट खुला था तो बड़े बड़े मॉल में ऑर्गेनिक कुकुम्बर मतलब ऑर्गेनिक ककड़ी अस्सी रुपए किलो और नॉर्मल ककड़ी तीस रुपए किलो बिकती है सोचिए कि अस्सी रुपए किलो की ककड़ी यदि आपने साठ और पचास भी थोक के भाव में बेच दी तो भी बहुत मुनाफा होता है कम उत्पादन होने पर भी इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग आने वाले समय में ज्यादा डिमांडेबल है मतलब मान लीजिए मुझे टीचर के बाद यदि कोई दूसरा प्रोफेशन चुनना है तो मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर जाऊँगा मान लो खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो जाए कि ना तो कोई अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगी ना कोई एजुकेशन होगा सब अपना जीवन आदिवासियों जैसा जिएंगे जंगलों में रहेंगे गुफाओं में रहेंगे तो मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर आगे बढ़ूंगा तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एक अच्छा विकल्प है यह रासायनिक कीटनाशक या उर्वरक के बिना होती है तथा तो इसमें जैविक उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं इससे भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होती है रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत कम आती है फसलों की उत्पादकता धीमे धीमे बढ़ती है भूमि के जल स्तर में भी वृद्धि होती है क्योंकि पानी की कम जरूरत पड़ती है हम कहेंगे तो सभी तरीके से एक बेहतरीन कृषि है ये पर इसकी चुनौतियां हैं कि कम से कम तीन वर्षों तक कृषि उत्पादन कम होता है जैविक कृषि से जुड़ी कृषि तकनीक के लिए अभी जागरूकता नहीं है जैविक खाद की उपलब्धता भी कम है और वित्तीय सहायता का अभाव है सिक्किम पूरी तरह से जैविक कृषि अपनाने वाला भारत का पहला राज्य है और त्रिपुरा और उत्तराखंड भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं त्रिपुरा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश ये तीनों राज्य भी भविष्य में जैविक कृषि अपनाने वाले राज्यों में शामिल हो जाएंगे फिर एक चलवासी कृषि है जो आदिम प्रकार की कृषि होती है पहले वृक्ष और वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है फिर साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों से जुताई करके खेती की जाती है फसल पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होती है उत्पादन बहुत कम होता है यह एक स्थानांतरणशील कृषि शिफ्टिंग कल्चिवेशन है जिसे थोड़े समय के अंतर पर खेत बदलते रहते हैं बहुत ही खराब कृषि है जिसे झूम कृषि भी कहते हैं आदिम जातियों के द्वारा अभी भी की जाती है इसे झूम कृषि भी कहते हैं उत्तर पूर्वी भारत में इसे झूम कृषि कहते हैं बुंदेलखंड में इसे वेवर और दहियार कृषि कहते हैं बस्तर जिले में इसे दीपा कहते हैं जरा और एरका दक्षिणी राज्य में कहते हैं बन्ना बतरा दक्षिण पूर्वी राजस्थान में पोंडू आंध्र प्रदेश में कुमारी केरल के पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में कमन विंगा और धावी उड़ीसा में ऐसे कई नामों से इसे जाना जाता है भारत में छोड़िए विश्व में भी इसके कई नाम है झूम कृषि बहुत ही पुरानी कृषि है इसे एक और नाम से जाना जाता है कि जलाओ उत्पादन लो और आगे बढ़ो तो जमीन जहां पर उत्पादन कम हो जाता है उसे छोड़ दिया जाता है फिर किसी नई जमीन पर इसको फिर शुरू किया जाता है तो एक बुरी कृषि मानी जाती है बहुत ही प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान होता है फिर राजकीय कृषि राजकीय कृषि इसको देखिएगा एक्चुअली यह कृषि होती है रिसर्च सेंटरों पर जितने भी कृषि अनुसंधान केंद्र हैं, जितने भी कृषि कॉलेज हैं, उनको सरकार जमीन अलॉट करती है रिसर्च के लिए भारत में राजकीय कृषि केवल यही पर होती है इस कृषि में कृषि भूमि सरकार की संपत्ति होती है तथा तो भूमि का प्रबंधन सरकारी कर्मचारी के द्वारा किया जाता है लेकिन कुछ ऐसे भी देश है लाल लालियो कुछ ऐसे भी देश है जहां पर पूरी जमीन ही सरकार की है किसान वहां पर सरकारी कर्मचारी के रूप में काम करके वेतन प्राप्त करता है फिर है पूंजीवादी कृषि पूंजीवादी कृषि कभी आपको केरल घूमने का मौका मिले तो जरूर जाइएगा मुनार मुनार या असम अगर आप जाते हैं तो पश्चिम बंगाल या असम में दार्जिलिंग वाली जो क्षेत्र है वहां पर आपको चाय के बड़े बड़े बागान मिलेंगे तो जब कोई बहुत बड़ा पूंजीवादी व्यक्ति किसी बहुत बड़े भूभाग को रेंट पर या खरीद कर कृषि करता है तो उसे पूंजीवादी कृषि कहते हैं अमेरिका और यूरोप में अधिकतर कृषि ऐसी ही है पर हमारे देश में केवल चाय कॉफी इन जगहों पर इस प्रकार की कृषि की जाती है इस प्रकार की कृषि में एक पूंजीपति बड़े बड़े भूखंड को खरीदता या किराए पर लेता है और कृषि करता है भारत में इस प्रकार की कृषि चाय कॉफी और रबर के बागानों में मिलती है फिर निगमित कृषि निगमित कृषि क्या होता है भाई एक सोसाइटी बनाई जाती है सोसाइटी जिसे निगम कहते हैं इस सोसाइटी को आपको रजिस्टर करना पड़ता है नाबार्ड में और जब नाबार्ड में आपकी सोसाइटी रजिस्टर्ड हो जाती है तो निगम के माध्यम से कृषि की जाएगी जिसमें सबको लाभ मिलेगा इस कृषि में कृषि भूमि का प्रबंधन एक निगम के द्वारा किया जाता है तमिलनाडु और महाराष्ट्र की चीनी मिले इस प्रकार की कृषि कर रही है फिर है तर कृषि तर कृषि का मतलब जहां पर सिंचाई की जरूरत ही ना हो इतनी वर्षा होती है और साल भर वर्षा होती है कि बारिश की वो लगातार प्राप्ति के कारण कभी भी सिंचाई के साधनों की जरूरत नहीं पड़ती है ऐसी जगह जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाली जगह पर सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है जैसे पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर राज्य यहां पर जनरली चावल को बोया जाता है ऐसी कृषि जहां पर अत्यधिक वर्षा का जल मिलता है तर कृषि कहलाती है दूसरी होती है आद्र कृषि जहां वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर की होती है वहां अल्प सिंचाई की आवश्यकता होती है ये मैदानी भागों में मिलती है नहर और नलकूपों के माध्यम से यहां सिंचाई ग्रीष्मकालीन समय में जरूरत पड़ती है बाकी नॉर्मली बिना सिंचाई के उत्पादन मिल जाता है पर शुष्क कृषि शुष्क कृषि मतलब जहां पर वर्षा बहुत कम होती है सौ सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इस कृषि में सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है जैसे पंजाब हरियाणा राजस्थान इन जगहों पर क्योंकि वर्षा बहुत ही कम होने के कारण हमें कहीं ना कहीं कृत्रिम रूप से पेड़ पौधों को पानी पहुंचाना पड़ता है फिर है समोच्च कृषि समोच्च कृषि जैसे चित्र से आपको बड़ा खूबसूरत दिखाई देगा सीढ़ी नुमा कृषि क्योंकि पहाड़ों पर यदि हमें कृषि करनी है तो सीडी नुमा करिए क्योंकि क्या फायदा होगा मान लीजिए पूरी ढाल होती तो पानी लगातार आते रहता तो स्पीड उसकी बढ़ती जाती, बढ़ती जाती जाती और नीचे वो एक गड्ढा कर देता और बहुत सारी मिट्टी बहा कर ले जाता लेकिन समोच्च कृषि होने से जब वर्षा का पानी गिरेगा तो जैसे ही गिरेगा फिर उसका कुछ समय तक उसे आगे और चलना पड़ेगा फिर उसकी शक्ति छीन हो जाएगी तो इस तरीके से समोच्च कृषि में पर्वतीय क्षेत्र में इस प्रकार की कृषि न केवल मृदा क्षरण को रोकती है बल्कि उत्पादकता को भी बेहतर करा देती है पर्वतों पर होने वाली सीढ़ीदार कृषि को आ, समोच्च कृषि कहते हैं। चाय के बागानों में कई बार मिलती है ले कृषि जब कृषि भूमि को दो या दो से अधिक वर्षों के लिए खुला छोड़ दिया जाता है तो ऐसी कृषि को भी नाम दिया जाता है ले कृषि फिर तैरती हुई कृषि नौकाओं पर की जाने वाली कृषि जैसे डल झील और कैबुल लामजाओ कैबुल लामजाओ भारत का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क वहां पर तैरती हुई कृषि क्योंकि वहां पर जो भी कृषि की जा रही जिस जगह पर वो अपनी जगह लगातार बदलता है अब आते हैं लाल लालियो कृषि में जुड़ी हुई विभिन्न क्रांतियां कौन सी क्रांतियां पढ़ेंगे हरित क्रांति इंद्रधनुषी क्रांति श्वेत क्रांति पीली क्रांति गोल क्रांति नीली क्रांति गुलाबी क्रांति बादामी क्रांति काली क्रांति ग्रे क्रांति रजत क्रांति स्वर्ण क्रांति लाल क्रांति और एक अमृत क्रांति भी करा दूंगा मैं आइए देखते हैं क्रांतिया क्रांति मतलब रिवोल्यूशन कृषि में बहुत सारे रिवोल्यूशन हुए हैं हमें इसमें मेनली यही क्रांति को पढ़ना है बाकी तो हमें केवल याद रखना है कि यह क्रांति किसके लिए होती है तो आइए जरा जानने की कोशिश करिएगा ये अलग अलग क्रांतियों में सबसे पहले हरित क्रांति प्रणेता नॉर्मन बोर्लोग विश्व में और स्वामीनाथन भारत में अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना कहानी बोरलॉक अमेरिकी वैज्ञानिक थे आपको शायद सुनकर अचरज होगा कि अमेरिका में गेहूं के ऐसे बीज जो बहुत अच्छा उत्पादन दे सकते हैं बहुत पहले बना दिए गए थे नॉर्मन बोरलॉक के द्वारा पड़ोसी देश मेक्सिको वहां पर अकाल गिरा था अमेरिका का पड़ोसी देश आप अगर कभी मैप देखेंगे तो अमेरिका के उस मैप में ये कनाडा ये अमेरिका और ये मेक्सिको, तो इस मेक्सिको में अकाल गिरा था पर इस बदमाश अमेरिका ने मेक्सिको को गेहूं दान देने के बजाय बहुत बड़ा अमाउंट लगभग लाखों टन गेहूं अटलांटिक महासागर में फेंक दिया था केवल इसलिए ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमत कम ना हो जाए ताकि उसके किसानों को गेहूं की सही कीमत मिल सके तब ये बात नॉर्मन बोरलॉग साहब को ठीक नहीं लगी तो नॉर्मन बोरलॉग मैक्सिको गए और मैक्सिको में जाकर वहां के लिए एक बौनी प्रजाति बनाई तब हमारे देश में स्वामीनाथन साहब भी बहुत यंग थे बहुत ही यंग मतलब मेरी उम्र के मान लीजिए तब उन्होंने कहा कि भाई जब नॉर्मन बोरलॉक साहब मेक्सिको की मदद कर सकते हैं तो भारत की भी कर सकते हैं उन्नीस सौ में स्वामीनाथन साहब उनसे बौनी प्रजाति बौनी प्रजाति क्यों कहते रहता हूं मैं बार बार एक्चुअली यदि आप अपने दादा दादी नाना नानी से पूछेंगे तो बताएंगे कि किस पहले गेहूं का जो पौधा होता था वो इतना ऊंचा होता था लगभग कमर तक आता था और वहां पर जिसमें गेहूं लगता था वो बाली वाला जो क्षेत्र है बहुत छोटा होता था लेकिन ये जो नई फसल थी इसमें पौधा तो बहुत छोटा हो गया लेकिन जहां गेहूं लगेगा वो दायरा बहुत ही बड़ा हो गया इसलिए इसको बौनी प्रजाति कहते हैं किया क्या गया किया क्या गया अगर कोई पूछे तो पॉलीप्लॉयडी की गई पॉलीप्लॉयडी सर ये नहीं समझ में आया पॉलीप्लॉयडी क्या है बहुगुणिता बहुगुणिता क्या हुआ सर एक्चुअली गेहूं में चौदह गुणसूत्र होते हैं चौदह डीएनए के टुकड़े होते उसे तीन गुना कर दिया गया बयालीस गुणसूत्र कर दिए गए मतलब गेहूं को हेक्साप्लॉइड कर दिया गया उसके गुणसूत्रों को तीन गुना कर दिया तो उसका उत्पादन बहुत अद्भुत रूप से बढ़ गया इसी को कहते बौनी प्रजाति ये बहुगुणिता की घटना कहलाती है जैसे हमारे अंदर छियालीस गुणसूत्र है लाल लालियो सुनकर अचरज लगेगा यदि हम किसी भी बच्चे में 46 के बानवे गुणसूत्र कर दे बानवे डबल तो एक हल्क नामक आपने सुना होगा हॉलीवुड में बिल्कुल ऐसा हल्क पैदा हो जाएगा रियल में अगर बानवे के और डबल कर दिए जाए तो उससे भी बहुत बड़ा दैत्यकार मनुष्य पैदा हो सकता है ये एक्सपेरिमेंट चूहों पर किया जा चुका है जाइंट चूहा बनाया जा चुका है जिस चूहे का आकार अपने सामान्य चूहे से कई गुना बड़ा था तो गुणसूत्रों की संख्या को दो गुना या तीन गुना अगर कर दे पूरा का पूरा गुणसूत्र सेट डबल ट्रिपल कर दे तो उत्पादन बढ़ता है लेकिन उस सेट का कोई एक डीएनए बढ़ जाए तो बीमारियां होती है याद रखना तो बहुगुणिता के द्वारा स्वामीनाथन साहब नॉर्मन बोरलॉग और स्वामीनाथन साहब ने भारत में बौनी प्रजाति बनाई इसे 3S क्रांति भी कहते हैं स्वामीनाथन वैज्ञानिक थे स्वामीनाथन का एस शिवरमन कृषि मंत्रालय के सेक्रेटरी थे और सुब्रमण्यम कृषि मंत्री थे जब उन्नीस सौ में क्रांति आई कृषि का नोबल पुरस्कार बोरलाक पुरस्कार ही है जो बोरलाक जी के नाम पर दिया जाता और पहला स्वामीनाथन को ही दिया गया है उत्पादन को बढ़ाने का उद्देश्य था उच्च उत्पादन देने वाली बीजों का निर्माण करना था उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग बढ़ाया गया क्या लाभ हुआ भारत ने गेहूं में पांच गुना उत्पादन और चावल में तीन गुना उत्पादन की वृद्धि की अद्भुत परिणाम प्राप्त किए भारत ने अद्भुत परिणाम चावल में तीन गुना उत्पादन खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर मेरी बात ध्यान से सुनना 1965 से पहले हमारे देश में खाद्यान्न का उत्पादन बहुत कम होता था इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते थे जय जवान जय किसान इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि यदि आपके पास दो वक्त की रोटी है तो एक वक्त की खाइए और एक वक्त की दान कर दीजिए एक्चुअली 1965 से पहले जब हमारे देश में मानसून चला जाता था तो अनाज की भारी कमी हो जाती थी तब हमारे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अलग अलग देशों की यात्रा करके अनाज संग्रहण का काम करते थे आपको सुनकर शायद अचरज होगा कि भारत को कटोरा कहा जाता था भिकारी मतलब जिसे नहीं कहते बाउल ऑफ बेगर्स भिकारी का कटोरा कहा जाता था क्योंकि हम जमा करते थे इस तरीके की सिचुएशन भारत में थी वो तो स्वामीनाथन साहब का भला हो कि उन्होंने एक ऐसी बीजों का निर्माण किया जिससे उत्पादन बढ़ा फिर किसानों ने भी पूरी ऊर्जा के साथ इस देश में इतना उत्पादन दिया कि आज भारत खाद्यान्न में न केवल आत्मनिर्भर है बल्कि बहुत बड़ी मात्रा में बहुत बड़ा निर्यातक भी बना हुआ है कृषि का व्यवसायीकरण हुआ पहली बार कृषि को लाभ माना गया व्यवसाय अपनाने लगे लोग और उससे लाभ प्राप्त करने लगे पहली बार भारत ने निर्यात किया खाद्य सुरक्षा फूड सिक्योरिटी बढ़ी और किसानों का कॉन्फिडेंस बढ़ा किसानों किसानों का किसानों की इनकम बढ़ी लेकिन इससे नुकसान भी हुआ केवल गेहूं और चावल तक सीमित रहा तो भाई जिन जगहों पर गेहूं चावल के अलावा दूसरी फसलें बोई जाती थी जैसे राजस्थान में मोटा अनाज महाराष्ट्र में ज्वार या फिर आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में जो दूसरी फसलें बोई जाती थी उन किसानों को लाभ नहीं हुआ अब अचानक जो किसान गेहूं चावल बो रहे थे वो तो लाखों रुपए कमा गए ऐसा कॉमन सेंस सोचना और जो किसान नॉर्मल वही फसल बो रहे थे वो उत्पादन उतना नहीं ले पाए तो आय की विषमता बढ़ गई गांवों में भी और क्षेत्र में भी पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान अमीर हो गए तो बाकी किसान उतने अमीर नहीं हो पाए तो आय की विषमता बढ़ी बड़े किसानों को ज्यादा लाभ मिला क्योंकि जिनके पास सिंचाई के साधन थे उन्होंने ज्यादा उत्पादन लिया छोटे किसान मजदूर बन गए क्योंकि अब उनकी जमीनों को आसानी से बड़े किसानों ने खरीद लिया आय की असमानता बढ़ गई किसानों का प्रवसन बढ़ गया बिहार से पंजाब की ओर महाराष्ट्र की ओर किसानों का प्रवसन शुरू हुआ भूमि का फिर विभाजन बढ़ा क्योंकि भूमि पर दबाव बढ़ने लगा पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव हुए क्योंकि बहुत सारे रसायनों का उपयोग हुआ और जल का अत्याधिक दबाव होने जल का अत्याधिक उपयोग होने के कारण भूमिगत जल में कमी आने लगी नलकूप नहरों का बहुत ज्यादा उपयोग होने लगा तब हरित क्रांति दो शुरू की गई उन्नीस सौ बानवे तिरानवे में उन्नीस सौ बानवे तिरानवे में ये जो हरित क्रांति आई लाल लालियो इसका नाम हरित क्रांति दो रखा गया और प्रथम हरित क्रांति की कमियों को दूर करना ही इसका लक्ष्य था मतलब अब ये सभी जगह पर क्रांति करने का मकसद था कि भाई दलहन भी बढ़ाएंगे तिलहन भी बढ़ाएंगे रेशेदार फसले भी का भी उत्पादन बढ़ाएंगे सबका उत्पादन बढ़ाने की बात इसमें कही गई तो हम ये कह सकते हैं कि हरित क्रांति दो का मेन मकसद था हरित क्रांति पहले की कमियों को दूर करना लक्ष्य था सभी फसलों के लिए चकबंदी चकबंदी का मतलब क्या हुआ भाई हदबंदी का मतलब होता है एक सीमा से ज्यादा जमीन अगर आपके पास है तो सरकार छीन लेगी इसे आप ऐसे याद रखना हद में रहो लोग नहीं कहते अपनी हद में रहो मतलब हद से ज्यादा जमीन होगी तो छीन ली जाएगी चकबंदी चकबंदी का मतलब जमीनों के टुकड़े नहीं किए जाएंगे जैसे एक पिता के तीन बच्चे हैं, तो पिता अब उन जमीन को तीन बच्चों में नहीं बांट सकते हैं बल्कि उन तीनों जमीन को तीनों लोग उपयोग करेंगे और उनके लाभों को तीन भागों में बांटा जाएगा अगर कहीं पर जमीन बहुत टुकड़ों टुकड़ों में है तो उसको एक जगह पर किसान को दी जाएगी और टुकड़ों को दूसरे किसानों को बांट दिया जाएगा हरियाणा में यह काफी अच्छा हुआ लेकिन हरियाणा में थोड़ी बहुत शिकायतें आई कि जो जमींदार जो किसान मतलब रसूखदार था उसे अच्छी क्वालिटी की जमीन दी गई खराब क्वालिटी की लेकर और जो बिचारे गरीब किसान थे उन्हें खराब क्वालिटी की जमीन दे दी गई लेकिन फिर भी चकबंदी के माध्यम से जमीनों के टुकड़ों को जोड़ा गया और चकबंदी करते हुए जमीनों के टुकड़ों के बहुत बड़े बड़े हिस्से किसानों को मिले छोटे किसानों तक पहुंच बढ़ाने का लक्ष्य बनाया गया ऋण आपूर्ति की बात की गई सहकारी कृषि मतलब ऐसी कृषि जिसमें लोग मिलकर सरकार की मदद से करेंगे और कृषि क्षेत्र में चार परसेंट की विकास दर का लक्ष्य दूसरी हरित क्रांति में रखा गया फिर आई इंद्रधनुषी क्रांति वर्ष 2000 में राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 लाई गई थी मैंने आपको बताया है कि नीतियां हमारे देश में जब आती है तो हवाबाजी की जाती है तो जब कृषि नीति आई थी जैसे शिक्षा नीति आई ना इतने वर्षों के बाद तो 2000 में कृषि नीति आई थी उसमें इंद्रधनुषी क्रांति नाम दिया गया था इंद्रधनुष मतलब सभी प्रकार की फसलों का उत्पादन बढ़ाना स्वामीनाथन ने 2011 में से सदाबहार क्रांति नाम दिया और इसका केवल एक ही मकसद है सदाबहार क्रांति किसे कहेंगे अनाजों के उत्पादन को दोगुना करना ही सदाबहार क्रांति है अनाजों के उत्पादन को दोगुना करना ध्यान से सुनना लाल लालियो राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 में इंद्रधनुषी क्रांति शब्द आया 2011 में स्वामीनाथन साहब एक जगह लेक्चर लेने गए वहां उन्होंने कहा कि ये सदा बहार क्रांति होगी ऐसी क्रांति होगी जो अनाजों का उत्पादन दोगुना कर देगी फिर आई श्वेत क्रांति वर्गीस कुरियन इसके प्रणेता बने वर्गीस कुरियन उन्नीस सौ में पहले सघन पशु विकास कार्यक्रम लाया गया ध्यान से सुनना चौसठ पैंसठ जब प्रथम हरित क्रांति आई थी उस समय की बात है तब पर किसानों को मोटिवेट किया गया कि वो पशुपालन को अपनाए फिर 1970 में ऑपरेशन फ्लड लाया गया ऑपरेशन फ्लड दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इसके प्रणेता बने वर्गीज कुरियन जो अमूल के संस्थापक माने जाते हैं जो नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को मनाया जाता है इन्हीं के जन्म दिवस पर 26 नवंबर को कुरियन के द्वारा इसे तीन चरणों में लाया गया 70 से 78, 78 से पिचासी पिचासी से पंचानवे इन्हीं का परिणाम हुआ कि भारत विश्व में दूध उत्पादन में पहले स्थान पर आया न केवल आया बल्कि तब से लेकर अभी तक हम दूध उत्पादन में पहले स्थान पर बने हुए हैं तो ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति के लिए लाया गया था दूध उत्पादन के लिए लाया गया था अगर हम बात करें तो अमूल का मतलब होता है आनंद मिल्क यूनियन ऑफ इंडिया जो पूरी तरह से एक प्रोग्राम बनाया गया था मतलब वर्गीस कुरियन साहब ने बड़ा लॉजिकल काम किया था हर एक तरीके से इकाइया बनाई गई थी कि जो किसान कोई भी पशुपालन करेगा उससे दूध का कलेक्शन किया जाए फिर उस दूध को कलेक्ट करते हुए जिले तक पहुंचाया जाए फिर जिले में भी अगर उसकी अधिकता हो रही है तो उसे दूसरी जगह पहुंचाया जा सके और इस कारण से कभी भी किसान को दूध के सरप्लस होने पर कम कीमत नहीं मिल पाई बेहतर कीमत मिली और इसी कारण से वर्गीस कुरियन साहब का ये प्रोग्राम काफी सफल भी हुआ फिर अलग अलग क्रांतियों पर नाम ध्यान सुन लीजिए पीली क्रांति तिलहन के लिए तिलहन मतलब तेल तेल पीले रंग का होता है जनरली सरसों का तेल थोड़ा सा ज्यादा गहरा पीला होता है लेकिन आप अगर देखेंगे तो मूंगफली सोयाबीन के तेल पीले दिखाई देंगे तो पीली क्रांति तिलहन के लिए है गोल क्रांति आलू के लिए है नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन मछली पालन के लिए हैं। नीला मतलब समुद्र होता है तो मत्स्य उत्पादन के लिए है गुलाबी क्रांति दो चीजों के लिए है प्याज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए और झींगा झिंगा मछली भारत झिंगा मछली का निर्यात करने वाला सबसे पहले नंबर का देश है सबसे ज्यादा झींगा उत्पादन करने वाला देश भी भारत ही है हमारे यहां की जो झींगा मछली होती है जो प्रॉन होते प्रॉन वो पूरे विश्व में एक्सपोर्ट किए जाते हैं तो प्याज और झींगा मछली के उत्पादन के लिए बादामी क्रांति मसाले के उत्पादन के लिए बादामी क्रांति लाई गई काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन को बढ़ाने के लिए ग्रे क्रांति फर्टिलाइजर के लिए ग्रे क्रांति फर्टिलाइजर के उत्पादन और उपभोग को बढ़ाने के लिए उत्पादन और उपभोग उपभोग हमारे देश में अभी भी फर्टिलाइजर का उपभोग उतना नहीं है जितना कि विकसित देशों में हमारे देश में कुछ जगह बहुत ज्यादा ही फर्टिलाइजर यूज होता है जैसे पंजाब हरियाणा में बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर लगभग 700 किलोग्राम फर्टिलाइजर पर हेक्टेयर यूज करते हैं वहां के लोग और वही पर अरुणाचल प्रदेश असम में 12 किलोग्राम है फर्टिलाइजर यूज होता है तो हमारे देश में फर्टिलाइजर का भी उतना यूज नहीं होता है और होता भी है तो बहुत असमान है रजत क्रांति रजत क्रांति मतलब सिल्वर रिवोल्यूशन अंडा उत्पादन को बढ़ाने के लिए गोल्डन रिवोल्यूशन स्वर्ण क्रांति बागवानी फसलों के लिए जैसे कि केला हो गया पपीता हो गया जो भी फल होते हैं उनके उत्पादन के लिए बागवानी के लिए लाल क्रांति दो चीजों के लिए है मांस के उत्पादन के लिए भी और टमाटर के उत्पादन के लिए भी तो मांस के उत्पादन और टमाटर के उत्पादन के लिए लाल क्रांति है फिर अमृत क्रांति अमृत क्रांति जिसे कहते हैं जरा देखो मैं कमेंट करना लाल लालियो अमृत क्रांति कितने लोगों को याद है अमृत क्रांति अमृत क्रांति किसके लिए है बहुत ही बढ़िया नदी जोड़ो नदी जोड़ो नदी जोड़ो जो परियोजना है उसे नदी जोड़ो परियोजना को अमृत क्रांति कहा जाता है नदी जोड़ो परियोजना को अमृत क्रांति कहा जाता है अमृत क्रांति कहा जाता है एक बार क्रांति देख लीजिए पीली क्रांति तिलहन के लिए गोल क्रांति आलू के लिए नीली क्रांति मत्स्य के लिए गुलाबी क्रांति प्याज और झींगे के लिए बादामी क्रांति मसालों के लिए काली क्रांति पेट्रोलियम के लिए ग्रे क्रांति फर्टिलाइजर के उत्पादन और उपभोग के लिए रजत क्रांति सिल्वर रिवोल्यूशन अंडे उत्पादन के लिए गोल्ड रिवोल्यूशन बागवानी के लिए लाल रिवोल्यूशन रेड रिवोल्यूशन लाल क्रांति मांस और टमाटर दोनों के लिए अमृत क्रांति नदी जोड़ो योजना के लिए अब आते हैं कृषि विपणन तंत्र एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम हमारे देश में किसान को उसका उत्पादन बेहतर मिले उसके उत्पादन की कीमत बेहतर मिले इसके लिए सरकार ने दिमाग लगाया और सरकार ने कहा कि क्या करेंगे भाई हम लोग एक मंडी बनाएंगे मंडी बनाएंगे हर जिले में और उस मंडी का जो पूरा का पूरा रेगुलेशन होगा वो सरकार नहीं करेगी बल्कि मंडी में चुनाव होंगे और उस चुनाव के द्वारा चुने हुए लोग उस मंडी का पूरा रेगुलेशन करेंगे और उसमें क्योंकि किसान ही चुनकर लोगों को भेजेंगे मंडी के तो भाई जब चुनकर भेजे जाते तो हम ये मानते कि जहां लोकतंत्र होगा वहां लाभ ज्यादा होगा मेरी बात जरा ध्यान से सुनना जब खास करके नए विद्यार्थी क्योंकि मार्केटिंग आप लोग समझ नहीं पाते और कई बार दुख आ जाता है क्या प्लानिंग थी मेरी मान लीजिए मैं प्रधानमंत्री कभी कभी बना दिया करिए मुझे भी मान लीजिए मैं प्रधानमंत्री और मैं सोच रहा हूं कि भारत में किसानों को बेहतर कीमत नहीं मिल पा रही है मैंने सुना मैंने कहा ऐसा करते हैं हर जिले में मंडी बना देते हैं और उस मंडी में किसानों का हित जुड़ा रहे किसानों का फायदा हो तो हम किसी अधिकारी को नहीं भेजते क्योंकि अधिकारी भेजेंगे तो भ्रष्टाचार होगा ऐसा करते कि मंडी में कुछ लोगों को चुना जाएगा किसानों के द्वारा और वो पूरे मंडी का प्रबंधन करेंगे मंडी में जो भी किसानों से उत्पाद खरीदना चाहते व्यापारियों को लाइसेंस देंगे और साथ ही साथ मंडी में जनरली जनरली किसानों के हित की सुरक्षा करेंगे और मंडी में किसानों के लिए कई प्रकार की सुविधाओं का इंतजाम करेंगे मैंने तो अच्छा सोचा पर जब जमीनी स्तर पर पांच दस साल के बाद मंडी देखने में गया तो पता चला कि मंडी में चुनाव ही नहीं हुए जो मंडी का प्रबंधन कर रहा है वो विधायक का साला है सांसद का ससुर है महापौर का बेटा है या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसकी राजनीतिक पकड़ है अब वो राजनीतिक पकड़ वाला व्यक्ति जो मंडी में अध्यक्ष बनकर बैठ गया है वो किसानों का हित देखेगा ही नहीं क्योंकि चुना ही नहीं गया दूसरा हमने कहा था कि मंडी सुविधाएं देगी पर वो बदमाश तो थोड़े थोड़े पैसे मांगने लग गए तुलाई का पैसा किराए का पैसा कोल्ड स्टोरेज का पैसा उसका पैसा इसका पैसा हमने सोचा था कि वो मंडी किसानों के लिए आवाज उठाएगी वो व्यापारियों के लिए आवाज उठाने लग गई तो भारत का जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम है सहकारी तंत्र है सहकारी का मतलब क्या हुआ कॉपरेटिव मार्केटिंग है हमारे यहां पर सहकारी का मतलब क्या है कि सरकार एक जगह दे देती है जहां पर वह कुछ मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराकर किसानों से कहती है कि अब आप लोग मिलकर अपना उत्पाद बेचिए लेकिन रियल में यह शोषण का तरीका बन गया तो क्या आपको कहानी समझ में आ गई कि रियल में क्या हो रहा है और वास्तविक रूप में प्रॉब्लम कहां पर है आइए जरा कृषि विपणन तंत्र एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम पर आते हैं हमारे भारत में राज्य स्तरीय कृषि उत्पाद बाजार समितियां बनती हैं स्टेट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी यह राज्य का विषय है तो प्रत्येक राज्य में राज्य सरकारों के द्वारा कृषि उत्पाद विपणन के लिए राज्य स्तरीय संस्थाओं का निर्माण किया गया इन्हें एपीएमसी मंडिया कहते हैं एपीएमसी मंडियों का यह रेगुलेशन करता है किसानों को बेहतर मूल्य प्रदान करना था भारत में इसका नियमन नाफेड के द्वारा किया जाता है ध्यान से सुनना हमारे देश में मार्केटिंग कैसा है हमारे देश में एक संस्था है नाफेड वो सभी राज्यों की सभी राज्यों की राजधानियों में जो ऐसे एस ए पी एम सी हैं उनको रेगुलेट करती हैं, एस ए पीएमसी को रेगुलेट करती हैं, और सभी एस ए पी एम उस राज्य की एपीएमसी को रेगुलेट करती हैं यह कैसी बात है थोड़ा समझना जरा ये बात कैसी है यह बात कुछ ऐसी है कि हमारे देश में प्रधानमंत्री मतलब नाफेड मुख्यमंत्री मतलब एस एपीएमसी सांसद मतलब एपीएमसी फाइनली एपीएमसी मंडिया काम अच्छा कर रही कि नहीं कर रही है इसका पूरा काम इसके द्वारा होता है अब जरा ध्यान से सुनेंगे मेरी बातों को अमरत सेन साहब क्या कहते हैं अमरत सेन साहब के बातों को ध्यान से सुनना देखना मार्केटिंग का उद्देश्य क्या होता है विपणन मार्केटिंग का उद्देश्य होता है कि उत्पादक को उत्पादक को अधिक कीमत अधिक कीमत प्राप्त हो और उपभोक्ता को उपभोक्ता को न्यूनतम कीमत पर उत्पाद मिले भाई हम ऐसा क्यों कर रहे हैं इतना जाल वाल इतना क्यों सोच रहे हैं हम ये सोच रहे हैं कि किसान को बेहतर कीमत मिलेगी और कंज्यूमर को सस्ते दाम पर चीजें मिल जाएगी जरा चीजों पर गौर फरमाइएगा कितना अद्भुत है यहां पर कितना अद्भुत है मान लीजिए कि किसान ने आलू का उत्पादन किया तो हमने सोचा कि किसान आलू को दस रुपए के भाव से बेचेगा तो उसको भी लाभ मिलेगा और जो कंज्यूमर है उसे बारह रुपए के हिसाब से उसके घर मिल जाएगा तो कंज्यूमर भी खुश हो जाएगा वो कहेगा बताओ यार मार्केट में तो बारह रुपए में ही मुझे आलू मिल गया और किसान भी खुश हो गया कि उसे तो दस रुपए के भाव से आलू बेचा उसने लेकिन रियल में हमारी एपीएमसी अमर्त सेन साहब कह रहे कि क्या कर रही है किसान से दो रुपए किलो में आलू खरीदा जाता है किसान से दो रुपए किलो में आलू खरीदा जाता है और कंज्यूमर को चालीस रुपए किलोग्राम में आलू बेचा जाता है मतलब हमारी मार्केटिंग क्या हो रही है उत्पादक को न्यूनतम कीमत दे रही है और कंज्यूमर को अधिकतम कीमत पर बेचकर आ रही है पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट हो चुका है क्या करना चाहिए पूरे सिस्टम को रिन्यू करना पड़ेगा भाई अगर ये बिचौलियो और इतने बिचौलिए बीच में है ना कि किसान जितना नहीं कमाता उससे ज्यादा ये बिचौलिए कमाते हैं मैं आपको बताऊं कि किसान को पूरा दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी दिन रात उसकी प्रबंधन करना पड़ेगा दिन रात उसको निवेश करना पड़ेगा तब जाकर वो दस रुपए कमा पाएगा लेकिन ये बिचौलिए लोग दस रुपए केवल एक सौदे में कमा लेते हैं समझना इस बात को तो हमारा ये जो सिस्टम है कहीं ना कहीं बहुत ही खराब है आइए जरा देखते पर जो बनाई गई थी ना एपीएमसी जो बनाई गई थी वो गलत सोच कर नहीं बनाई थी क्योंकि हम ये सोच कर रखे थे कि भी देखो कि अगर किसान को मंडी नहीं मिली सोचो हम ये सोच रहे थे अगर किसान को मंडी नहीं मिली तो उससे फिर व्यापारी सस्ते औने पौने दाम पर सामान खरीद लेगा किसान को लाभ नहीं होगा हमने कहा भाई मंडी में ही सौदे करवाओ मंडी में सौदे होंगे तो जो मंडी का प्रबंधन करने वाले लोग है वो किसानों का हित देखेंगे पर यहां तो सब कुछ मतलब दाल में कुछ काला है यहां दाल में काला नहीं पूरी दाल ही काली हो गई तो वास्तविक रूप में किसानों का वो मंडिया लाभ पहुंचाने की जगह शोषण का काम करने लगी तो सिस्टम वास्तविक रूप में मंडिया का उद्देश्य सही था यहां के पूरी चीजों को सुधारना जरूरी था आइए देखते हैं एपीएमसी मंडियों का निर्माण करती है राज्य स्तरीय जो एस होती है कृषि उत्पादों को बेचाता इसमें कुछ व्यापारियों को लाइसेंस जारी करती है मंडिया और बोली लगाकर किसानों का उत्पादन खरीद सकती है कृषि विपणन तंत्र की चुनौतियां बिचौलिए बहुत ज्यादा हैं, बिचौलिए बहुत ज्यादा हैं। किसानों के पास यातायात सुविधाओं का अभाव है और मंडी इतनी दूर पर है कि किसान जब मंडी चला जाता है तो वापस लाने की उसकी हिम्मत नहीं होती है फिर वो जिस दाम पर बेचकर आ जाए वो बेचकर आ जाता है क्योंकि उसके पास इतना खर्चा नहीं है कि वो वापस लाए फिर वापस ले जाए इतनी उसकी ताकत नहीं है सूचना और मौसम पूर्वानुमान तकनीक की कमी जलवायु परिवर्तन का प्रभाव शुल्क की बड़ी मात्रा किराया स्थानीय कर शुल्क बेचने का कमीशन चुंगी तोल का पैसा कृषि साख एक वीडियो आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पर पिछले साल कलेक्टर साहब हड़का रहे थे कि आप किसानों को जो भी बेचने आए हैं उसको अपना अपना दाम दीजिए तो रियल सिचुएशन कुछ ऐसी है लाल लाली हो। अब क्योंकि राज्य सूची का विषय है तो केंद्र सरकार ने 2003 में एक मॉडल एक्ट बनाकर दिया और कहा कि भाई जिन जिन राज्यों को लगे इस कानून के तहत अपने यहां पर जो मंडिया की समस्या है उसको सुधारने के लिए कानून बना दीजिए तो मॉडल एपीएमसी एक्ट 2003 में आया बाजार के अलावा नए बाजारों का विकल्प दीजिए किसानों को यदि वह वहां पर बाजार या उसकी मंडी बहुत दूर है तो अपनी मर्जी से किसान पचास किसान जहां पर जुट एकजुट होकर बेचना चाहे वहां बेचने दीजिए निजी थोक बाजार बनाइए अनुबंध कृषि की अनुमति दीजिए एपीएमसी सदस्यों को निश्चित अवधि में चुनाव करवाइए उस मंडी में चुनाव के ही माध्यम से प्रबंधन किया जाए किसान कहीं पर भी हाट की स्थापना कर सकता है मतलब बाजार बना सकता है नाफेड राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ है नेशनल एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 21 अक्टूबर 1958 में स्थापना मुख्यालय नई दिल्ली में है बहुराज्य समिति अधिनियम उन्नीस के द्वारा इसका निर्माण किया गया है 2003 में एपीएमसी आने के बावजूद मॉडल एपीएमसी आने के बावजूद कई राज्यों ने इसमें कोई सुधारी नहीं किया तो 2020 में केंद्र सरकार को लगा कि अब हम ही हस्तक्षेप करके इस पूरे एपीएमसी की सिचुएशन को बदल देते हैं जरा ध्यान से देखना आप लोगों ने कानून सुने होंगे वैसा नाफेड है ना वैसा एक ट्राइफेड भी है अनुसूचित जनजाति के लिए है, लेकिन ये केवल ट्राइफेड बस इसी में इसलिए समझा दे रहा हूं क्योंकि नाफेड सुना तो ट्राइफेड भी सुन लीजिए ट्राइबल कॉरपोरेशन मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया 1987 में जनजाति मंत्रालय नई दिल्ली के अलावा इसके तेरह रीजनल कार्यालय भी हैं ताकि जनजाति लोगों का कोई शोषण ना कर सके उनके उत्पादों की उन्हें सही कीमत मिल सके इसलिए ट्राईफेड बनाया गया वैसे फिर इनाम भी आ चुका है हमारे देश में एक प्लेटफॉर्म है एक राष्ट्रीय कृषि बाजार है जो अधिकांश एपीएमसी मंडियों को जोड़ता है और यहां पर ऑनलाइन बिक्री खरीद बिक्री की जाती है एपीएमसी को ई नाम से जोड़ने पर क्या फायदा होगा हमें पता चलेगा कि कौन सी मंडी में ज्यादा कीमत है जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए कि आप किसी एक जगह पर रहते हैं और उसके कांटेक्ट में तीन मंडिया है तीन मंडिया है तो ई नाम पर आप पहले से देख सकते कि, कि किस मंडी में खरीदारी शुरू हो गई है किस मंडी में ज्यादा कीमत दी जा रही तो ई नाम के माध्यम से सॉफ्टवेयर आधारित प्रणाली है कीमत बदलाव के बारे में जानकारी मिल जाती है रियल टाइम रिकॉर्डिंग होती है श्रमबल आपको पता चल जाएगा कि वहां पर आपने ले जाना चाहिए अनाज या नहीं अब सरकार ने इसके लिए क्या किया फिर 2020 में कानून लाया ध्यान से सुनना लाल लाली हो दो में सरकार कानून लेकर आ गई कृषि उपज वाणिज्य और व्यापार अधिनियम दो एपीएमसी मंडियों के बाहर कृषि उत्पाद बेचने और खरीदने की व्यवस्था अब जरा ध्यान से सुनना जिनका यूपीएससी इंटरव्यू है वे लोग भी और जिनका सामान्य साल यूपीएससी पीटीए वे लोग भी प्रॉब्लम कहां पर है सरकार का कहना यह है कि भाई एपीएमसी सफल नहीं हुई सत्तर सालों में खास करके उन्नीस पचास के बाद ये एपीएमसी इतना समय जाने के बावजूद किसानों को वास्तविक कीमत अदा नहीं कर पाई तो फिर क्यों ना भाई किसानों को कहीं पर भी अनाज बेचने की आजादी दे दी जाए अनुमति दे दी जाए तो इनका कहना है कि एपीएमसी मंडी के बाहर कृषि उत्पाद बेचने और खरीदने की व्यवस्था यहां पर किसान संगठन का क्या लॉजिक है वो भी सुन लीजिए किसान संगठन का कहना है कि धीमे धीमे एपीएमसी के अंदर अब कोई किसान फिर खरीदारी बेचने आएगा ही नहीं एपीएमसी या फिर किसी काम की नहीं रहेगी तो फिर आप एपीएमसी मंडियों को बंद कर देंगे लेकिन एपीएमसी मंडिया अगर बंद हो गई तो फिर जो एमएसपी के माध्यम से आप वादा करते थे उसकी खरीदारी कहां करेंगे उसके लिए भी तो कोई जगह होनी चाहिए तो इसका मतलब आप एमएसपी खत्म करने की बात कर रहे हैं ऐसा किसान संगठनों का कहना है अब वास्तविक रूप में यहां क्या हो गया यहां सरकार का कर्तव्य केवल इतना सा था कि किसान संगठनों के साथ मिलकर कह देते कि भाई आप चिंता मत रखिए एमएसपी बंद नहीं करने वाले हम आने वाले दस वर्षों के लिए भी एमएसपी बंद नहीं होगा तो शायद ये कानून कोई बुरा नहीं था पर जो उनका डर है उसे दूर भी तो करना सरकार का कर्तव्य लोकतंत्र है भाई डेमोक्रेसी है ना तो इस डेमोक्रेसी में आपको उनकी बातों को सुनकर उनका कोई तो विकल्प ढूंढ सकते थे लेकिन सरकार भी अपनी ईगो में लगी हुई है एपीएमसी बाजारों की उपेक्षा करते हुए निजी स्तर पर अथवा एपीएमसी द्वारा निर्धारित बाजार स्तरों के बाहर भी कृषि उत्पादन को बेचने की अनुमति रहेगी किसान से उनकी उपज की बिक्री के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा कृषि उत्पादों को सुगम कारोबार सुनिश्चित करने के लिए एक ई e प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल कराया जाएगा किसान और व्यापारियों के बीच विवादों के निपटान हेतु एक समाधान तंत्र बनाया जाएगा अधिनियम के नकारात्मक पक्ष क्या इस अधिनियम से इस प्रकार की स्थिति निर्मित हो जाती है जिसमें किसानों को स्थानीय बाजार में अपनी उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने से कोई खरीदार नहीं मिलता मतलब मान लीजिए कि ऐसा लगता है इसके सुनने पर कि भाई फिर तो एमएसपी से कम दाम में भी बेच दिया जाएगा क्योंकि एपीएमसी मंडियों में तो एमएसपी से नीचे बेचा नहीं जा सकता है अधिकांश किसान छोटे सीमांत कृषि भूमि के मालिक होते हैं इनके पास अपनी उपज को दूर के बाजारों में बेचने तो परिवहन के साधन नहीं होते हैं किसान संगठनों का मानना है कि सरकार का यह निकट भविष्य में एमएसपी प्रणाली को समाप्त अथवा सीमित कर सकता है यदि एमएसपी के प्रति किसी ठोस लिखित प्रावधान के बिना ही निजी बाजारों को विस्तार दिया जाएगा तो एमएसपी अप्रासंगिक हो जाएगा राज्य सरकारों की आपत्ति है कि कृषि राज्य सूची का विषय होने के बावजूद केंद्र सरकार अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर इस विषय पर कानून बना रही है आइए जरा जानते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है और उसका निर्धारण कैसे किया जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी आप लोगों ने देखा होगा जो उद्योगपति होते हैं ना उद्योगपति उनके सामानों पर क्या लिखा होता है अधिकतम खुदरा कीमत और बिचारे किसान के सामान पर क्या लिखना पड़ रहा है न्यूनतम मतलब कितनी खराब परिस्थिति है कि उसको सुरक्षा देनी पड़ रही है कि इससे कम दाम में मत खरीदना किसान से इतना शोषण किया जाता है आज के दौर में भी एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य वह न्यूनतम मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेचे जाने वाले अनाज की पूरी मात्रा क्रय करने के लिए तैयार होती है एक तरीके से बीमा होता है ये साल भर में दो बार जारी की जाती है कीमतें रबी की फसल में और खरीफ की फसलों में जब बाजार में कृषि उत्पादों का मूल्य गिर रहा हो तब सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों को क्रय कर उनके हितों की रक्षा करती है एमएसपी का उद्देश्य होता है किसानों का बिचोल किसानों को बिचौलियों के शोषण से बचाना उनकी उपज का अच्छा मूल्य प्रदान करना ज्यादा उत्पादन हो तब भी मूल्य मिलेगा इसकी सुनिश्चितता करना किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधार करना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस सिस्टम के लिए अनाज की उपलब्धता इसी के माध्यम से हो जाती है एमएसपी की अच्छी बातें क्या हैं? फसलों की कीमतें स्थिर रहती हैं, किसानों को एक इकोनॉमिकल सिक्योरिटी मिल जाती है किसान अपने आत्मनिर्भर बन जाते किसानों को मोटिवेशन मिलता है फसल प्रतिरूप का निर्धारण ये कैसे भाई जिन फसलों पर सरकार ज्यादा एमएसपी घोषित कर देती है ना किसान वही बोता है तो सरकार दिमाग से सोचे कि उसे क्या उत्पादन करवाना है उसका एमएसपी बढ़ा दे जैसे दलहन का उत्पादन करना है ज्यादा तो एमएसपी बढ़ा दो सारे किसान फिर दलहन उत्पादन करेंगे तो इसके माध्यम से सरकार पैटर्न भी तय करती जिसे कहते ना कि अः जिसे हम कह सकते कि एक सरकार का ऐसी रणनीति जिसके माध्यम से सरकार तय करेगी कि किसान क्या बोएंगे तो किसानों को जहां एमएसपी ज्यादा मिलता है उस फसल को बोते हैं किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और कृषि में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं पर एमएसपी के कुछ नकारात्मक पहलू भी है एमएसपी सभी फसलों पर लागू नहीं है इसलिए जिन फसलों पर एमएसपी लागू है उनका तो उत्पादन हो रहा है बाकी का उत्पादन कम हो रहा है वो हमें आयात करना पड़ रहा है अधिक उत्पादन के लिए अधिक उर्वरक किसानों को लगता है कि ज्यादा उत्पादन करना है तो ज्यादा फर्टिलाइजर इसका असर पड़ रहा है कि कृषि में भूमि कृषि मृदा में असंतुलन उत्पन्न हो रहा है स्वास्थ्य और पर्यावरणीय प्रभाव क्योंकि ज्यादा फर्टिलाइजर पर्यावरण के लिए भी घातक है और स्वास्थ्य के लिए भी वर्तूलाकार जाल की महंगाई देखो वर्तूलाकार जाल का मतलब क्या है मान लो कि सरकार ने पहली बार जब भी एमएसपी जारी किया होगा मान लो गेहूं का एमएसपी 1100 रुपए ग्यारह जारी किया उस साल किसान को बहुत लाभ हुआ और अचानक किसान की आय बढ़ गई लेकिन अगले साल जब किसान की आय बढ़ गई तो मजदूरी भी बढ़ गई भाई फिर मजदूरी भी बढ़ गई बीज की कीमत भी बढ़ गई क्योंकि जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे चीजें भी तो महंगी होगी तो अगले साल अब किसान को उसी गेहूं को उत्पादन करने में मान लो कि पहले पांच रुपए का खर्च आता था और ग्यारह मिला अब खर्च आ गया नौ रुपए का और एमएसपी हो गई 1200 की अब आप एमएसपी को उससे नीचे नहीं ला सकते हैं मतलब हर साल आपको एमएसपी को बढ़ाना ही पड़ेगा क्योंकि अगर आपने एमएसपी को नहीं बढ़ाया तो फिर उस साल किसान को लाभ ही नहीं होगा क्योंकि जिस तरीके से जब कीमतें बढ़ाई गई तो लाभ बढ़ा लाभ बढ़ा तो लागतें बढ़ गई लागतें बढ़ गई तो फिर लाभ के लिए आपको कीमत और ज्यादा करनी पड़ेगी तो आप एक ऐसे वर्तूलाकार मुद्रा स्पीति के जाल में फंस जाओगे कि जिसमें केवल जाने का रास्ता है निकलने का कोई रास्ता नहीं रहेगा आय की असमानता जो किसान एमएसपी वाली फसलें बोएंगे उनका ज्यादा आय होगी क्षेत्रीय असमानता कुछ जगह ऐसी भी होती है जहां पर एमएसपी वाले बोई नहीं जा सकती तो तो वहां का किसान तो वास्तविक लाभ कमा ही नहीं पाएगा तो वहां का क्षेत्र पिछड़ जाएगा सार्वजनिक खरीद केंद्रों का पर्याप्त मात्रा में न होना भी एमएसपी के लिए नकारात्मक माना जाता है वर्ष 2013 में रमेश चंद्र समिति बनी एमएसपी के बारे में सुझाव देने के लिए भारत सरकार के द्वारा भारत सरकार के द्वारा सभी स्थानों से एमएसपी के आधार पर फसलों का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता इसलिए भारत में डेफिशिएंसी प्राइस पेमेंट या मूल्य बीमा की व्यवस्था को लागू किया जाए इनका कहना यह है आप एमएसपी की जगह पर बीमा प्राइस डाल दीजिए बीमा प्राइस का मतलब क्या हुआ भाई मान लेते हैं कि सरकार कहेगी कि आपकी जो फसल है उसका रेट दो होना चाहिए पर आप 1800 में बेचकर आ गए तो 200 का नुकसान हुआ तो सरकार उस 200 की भरपाई कर देगी इसे कहते बीमा प्राइस ये किसने कहा है रमेश चंद्र कमेटी ने कहा है पर अभी इसे लागू नहीं किया गया है इस व्यवस्था में सरकार द्वारा एमएसपी को घोषित किया जाता है लेकिन किसानों को यह कहा जाता है कि वे अपना माल खुले बाजार में बेचें। यदि बाजार की कीमत एमएसपी की तुलना में कम रहती है तो सरकार के द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से क्षतिपूर्ति कर दी जाती है कृषि लागत और मूल्य आयोग को कृषि नीतियों के निर्माण में भूमिका दी जानी चाहिए ऐसा रमेश चंद्र समिति ने कहा है अब जरा एमएसपी से जुड़े हुए मुद्दे देख लीजिए एमएसपी बाजार की गतिशीलता के साथ जोड़ने के बजाय किसानों के हितों के अनुरूप बढ़ाने से कीमत निर्धारण प्रणाली अब विकृत हो गई है केवल सरकार इसे कई बार चुनावी मुद्दे के रूप में अपनाती है और बाजार पर गौर नहीं करती इससे बाजार में महंगाई आ जाती है धान और गेहूं के लिए तो यह प्रभावी है जबकि अन्य फसलों के लिए प्रभावी नहीं है एमएसपी विभिन्न वर्गों के बीच अंतर नहीं करती है बल्कि एक उचित और औसत गुणवत्ता संदर्भित करती है भाई अगर मान लो किसी किसान ने बहुत अच्छी क्वालिटी का चावल और अच्छी क्वालिटी का गेहूं उत्पन्न किया तो भी उसको उतना ही मूल्य मिलने वाला है तो यहां क्वालिटी पर भी तो गौर करना जरूरी है भाई उच्च गुणवत्ता की फसल को आधार मूल्य पर बिक्री के लिए बाध्य करने से किसान और व्यापारी दोनों को दोनों की एक इस्त, जैसी स्थिति हो जाती है उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य भले ही किसानों के उत्पादन संबंधी समस्याओं का निदान नहीं करता परंतु अर्थव्यवस्था को व्यापक रूप से प्रभावित करता है इस संबंध में अभी और सुधार किए जाने बाकी है हमारे देश में जो एमएसपी डिक्लेयर किया जाता है वो सीएसीपी के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है कृषि लागत और मूल्य आयोग लेकिन वास्तविक रूप में अंतिम निर्णय ये नहीं करता है सीएसीपी एक विशेषज्ञ समूह है जो तय करता है कि कितना एमएसपी होना चाहिए और सीसीए कैबिनेट काउंसिल ऑन इकोनॉमिक अफेयर जो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है वो अंतिम निर्णय लेती है जो कि राजनीतिज्ञों से मिलकर बनी है और राजनीतिज्ञ चुनाव देखते हैं चुनाव का समय है तो ज्यादा बढ़ा देंगे तो कई बार ये जितना कहते हैं एमएसपी, उससे ज्यादा ही कीमत ये दे देते हैं और बाद में महंगाई के रूप में पूरी अर्थव्यवस्था में समस्याएं आ जाती है कृषि लागत और मूल्य आयोग भारत सरकार के कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक कार्यालय है जनवरी 1965 में बनाया गया था कृषि उत्पादों के संतुलित और एकीकृत मूल्य संरचना तैयार करना इसका काम है जयपुर में एक संस्थान है भारत का कोई बता सकता है कि उसका नाम क्या है खास करके जयपुर के विद्यार्थी जो इस सी एस की मदद करते हैं रिसर्च के मामले में कि की कीमतें क्या होनी चाहिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सलाह देते हैं इशू प्राइस निर्गत मूल्य भी जारी करते निर्गत मूल्य मतलब किसी पीडीएस सिस्टम में जो कंट्रोल की दुकानें हैं उचित मूल्य की दुकानें हैं जिसे हम कहते हैं राशन की दुकानें जो होती हैं वहां पर क्या गेहूं चावल का भाव होगा ये कीमतें भी यही जारी करते हैं गन्ने का एमएसपी आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति वैसे गन्ने का एमएसपी नहीं सभी के एमएसपी वही तय करते हैं आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति लेकिन गन्ने का एमएसपी नहीं होता है एफआरपी होता है और एफआरपी इसलिए होता है क्योंकि सरकार गन्ना नहीं खरीदेगी गन्ना तो चीनी मिले खरीदेगी पर चीनी मिलों को ऐसी कीमत में खरीदना है जो किसानों के लिए लाभप्रद हो इसलिए उसका नाम एमएसपी नहीं एफआरपी कहते हैं और बाकी फसलों में अधिकतर फसलों में सरकार खुद खरीदती है इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कहती है यहां मैं आपको बता दूं कि ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है ये हमारे देश में ज्ञात किया जाता है ए ए टू प्लस डिफरेंट कॉस्ट ए टू मतलब एक तो ये जो एग्रीकल्चर जमीन है जहां पर कृषि की जा रही है उसका रेंट कितना है वहां पर जो भी पैसा लगा होगा यदि वो पैसा बैंक में रखा जाता तो उस पर कितना ब्याज मिलता या फिर वो पैसा अगर उधार लिया जाता तो कितना ब्याज चुकाना पड़ता ये पहला एग्रीकल्चर कोस्ट है दूसरा उस पूरे के पूरे उत्पादन में लागू करने के लिए उसके घर वालों ने कितनी मजदूरी की किसान ने कितनी मजदूरी की वो सारी चीजों को और दूसरा तीसरा होता है जो कोस्ट अलग अलग टाइप के खर्चे आते हैं जैसे कि फर्टिलाइजर से लेकर बाकी चीजों के लिए तो इसके आधार पर हमारे देश में एमएसपी डिक्लेयर किया जाता है वैसे मैंने एमएसपी को काफी डिटेल में समझाया है इसलिए यहां पर एमएसपी निकालने का उतना वर्णन हम नहीं कर रहे हैं फिर भारत में एमएसपी के तहत जो खरीदारी होती है उसको रखने का काम भंडारण के द्वारा किया जो किया जाता है वो भारतीय खाद्य निगम फूड एक्ट जो 1964 में में बना था इसके तहत 65 में इसकी स्थापना की गई देश में खाद्यान्नों का न्यायपूर्वक वितरण और उनके मूल्यों में स्थायित्व लाना एफ सी आई अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सरकार के लिए खाद्यान्नों की खरीद करता है तथा तो खाद्यान्न का बफर स्टॉक बनाए रखता है बफर स्टॉक मतलब बिना जगह अगर पूरे देश में कोई उत्पादन नहीं भी हुआ तो भी हमारे पास इतना अनाज तो रहेगा इस खाद्यान्न को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकानों पर विक्रय के लिए भी उपलब्ध कराता है एफसीआई अब आते हैं कृषि सब्सिडी के मुद्दे पर क्या कृषि सब्सिडी अच्छी है या बुरी आइए एक संक्षिप्त में विश्लेषण कर लेते हैं यह एक प्रकार की छूट होती है जिसके माध्यम से किसान कम कीमत पर बिजली उर्वरक और कृषि उपकरण प्राप्त कर पाता है बाकी की कीमत सरकार अदा करती है। जैसे दस रुपए की चीज में किसान को कहती है और कृषि में कृषि सब्सिडी दो प्रकार की होती है प्रत्यक्ष जैसे कि एमएसपी अप्रत्यक्ष जैसे कि बिजली बीज और उर्वरक पर विश्व व्यापार संगठन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सब्सिडी को एक साथ एग्रीगेट मेजर ऑफ सपोर्ट कहा जाता है ध्यान से सुनना अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा थोड़ा कंसेप्चुअल बातें हैं नहीं तो फिर आप कहोगे कि छोटी-छोटी बातें ही बताई गई थोड़ा बड़ी बात समझिएगा पूरे वैश्विक स्तर पर डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक विश्व व्यापार मंच है इस मंच ने वैश्विक व्यापार में बेहतर तरीके से नियमन करने के लिए कृषि क्षेत्र में भी जब आप कोई भी उत्पाद यहां से दूसरे देश बेचने जाओगे तो कहीं ऐसा ना हो कि वहां के किसानों को नुकसान हो जाए तो कुछ रेगुलेशन कहे गए हैं उनका कहना है कि हर कोई कंट्री अपने किसानों को एक निश्चित मात्रा में ही मदद करे क्योंकि ज्यादा मदद कर देंगे तो मार्केट में कहीं कही ना कहीं असंतुलन होगा थोड़ा समझना इसको मैं व्यवहारिक बता रहा हूं मान लो कि एक मंडी है और एक मंडी में मेरा मूड है कि बाकी दुकानदारों का सामान बिके ही ना तो मैंने क्या किया मंडी में बहुत बड़ी दुकान लगा दी बाकी गेहूं बेच रहे थे अठारह रुपए किलो मैंने दस रुपए किलो गेहूं बेचना शुरू करवा दिया तो इससे क्या होगा कि पूरे मंडी में मेरी दुकान से हर कोई सामान खरीदने लगा बाकी दुकान वाले संकट में आ गए और मान लीजिए मुझे कोई बैकअप है अच्छा सा दो चार करोड़ रुपए का सपोर्ट मिल गया है तो मैं तो उनकी रोजी रोटी तक छीन सकता हूं ऐसा ना हो इसलिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू इस बात पर रेगुलेशन बनाता है कि भाई आप लोग किसानों की मदद करिए सरकार किसानों की मदद करेगी लेकिन एक सीमा से ज्यादा नहीं तो क्या निर्धारित किया गया ध्यान से सुनना विश्व व्यापार संगठन ने हस्ताक्षरित कृषि समझौते के अनुसार एएमसी विकसित देशों के लिए अपने कुल कृषि उत्पादन का पांच प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है मतलब आप ज्यादा से ज्यादा कितनी मदद कर सकते हैं किसानों की आपके देश में जितना कृषि उत्पादन हुआ होगा उसका कीमत निकालिए उसके पांच परसेंट तक मदद कर सकते हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज है वे लोग ज्यादा ज्यादा दस तक उस देश में जितना भी कृषिगत उत्पादन निकला होगा उसका 10 परसेंट तक मदद कर सकते हैं विकसित देशों का मानना है कि भारत सरकार किसानों को निर्धारित सीमा से अधिक छूट दे रही है जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में विकृति आ रही है इसलिए विकसित देश डब्ल्यू के मंच पर यह मुद्दा उठा चुके हैं सब्सिडी के सकारात्मक पहलू क्या है क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है वहां पर कृषि विकास का इंजन है अगर कृषि में लाभ नहीं होगा कृषि में उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो उद्योग भी नहीं बढ़ पाएंगे औद्योगिक विकास के लिए वह लॉ मटेरियल का काम करता है कृषि सब्सिडी सामाजिक न्याय सुनिश्चित करती है संविधान के अनुसार है हमारे खाद्य सुरक्षा यदि हमें चाहिए इतनी बड़ी जनसंख्या का पालन पोषण करना है तो किसानों को मोटिवेशन देना पड़ेगा मदद करनी पड़ेगी और तकनीक के लिए भी कृषि सब्सिडी देनी पड़ेगी कृषि सब्सिडी का प्रयोग फसलों के पैटर्न को वांछित दिशा में बदलने के लिए भी किया जाता है हाल ही में दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ने दालों का एमएसपी बढ़ोतरी कर दी है सब्सिडी के पे क्या है कि भारत के राजकोषीय घाटे पर बहुत बड़ा दबाव होता है सरकार इन पैसों को चाहती तो निवेश करती बेहतर सिंचाई के साधन बेहतर बिजली की निरंतरता बनाए रखती लेकिन इसे वह नकदी रूप में किसानों को पहुंचाती है कृषि सब्सिडी के अधिक होने से हमारा भुगतान संतुलन भी प्रभावित होता है भुगतान संतुलन का मतलब बहुत सारा सामान हमें आयात करना पड़ता है जो किसानों को उपलब्ध कराना है संसाधन की कमी होने से भारत का अधिकतर पैसा अगर इसी सब्सिडी में चला जाएगा तो बाकी जगह निवेश नहीं हो पाएगा कृषि सब्सिडी से भारत में फसल पैटर्न विकृत हो गए हैं गेहूं और चावल का उत्पादन तो दिन पर दिन पर बढ़ता जा रहा है बाकी उत्पादन नहीं बढ़ रहे हैं एमएसपी से दालों और मोटे अनाज की उपेक्षा हुई है दालों के उत्पादन में कमी के कारण महंगाई आ रही है भारत में कृषि सब्सिडी का लाभ बड़े किसानों को मिलता है छोटों को नहीं मिल पा रहा है भारत सरकार के द्वारा कृषि क्षेत्र में किए जाने वाले कुल खर्च का 80 परसेंट कृषि सब्सिडी है सरकार न तो बीज अच्छा रिसर्च कर पा रही है ना ही अच्छी सिंचाई योजना ला पा रही है इसलिए भारत सरकार रिसर्च अवसंरचना निर्माण में निवेश नहीं कर पाती है उच्च सब्सिडी के कारण पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है उदाहरण के लिए भूमि की लवणता बढ़ गई जल संसाधनों का दुरुपयोग होने लगा बिजली का दुरुपयोग होने लगा मृदा की गुणवत्ता प्रभावित हुई और मृदा प्रदूषण भी बढ़ गया है यद्यपि नकारात्मक पक्षों को देखते हुए भी, भी भारत में कृषि सब्सिडी पूर्णतः समाप्त कर देना संगत नहीं होगा बल्कि कृषि सब्सिडी को अधिक तार्किक बनाना होगा भारत में कृषि सब्सिडी कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ सामाजिक न्याय खाद्य सुरक्षा ग्रामीण विकास आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण उपकरण साबित हुई है कृषि सब्सिडी को अब लक्ष्योन्मुखी बना देना चाहिए कि भाई जहां पर कमजोरी है जहां पर भी जरूरत है वहां सब्सिडी दी जाए सब्सिडी को रेशनिंग करना चाहिए जैसे कि किन फसलों के लिए सब्सिडी देनी है और किन के लिए नहीं देनी है इसका निर्धारण किया जाए प्रति किसान प्रदत्त सब्सिडी की अधिकतम मात्रा निर्धारित की जाए और लीकेज से बचने के लिए लीकेज का मतलब बड़े किसानों को लाभ न देने के लिए आपको छोटे किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना चाहिए उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना चाहिए सब्सिडी का निर्धारण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि उर्वरकों का तार्किक उपयोग हो फर्टिलाइजर का ज्यादा उपयोग ना हो आइए लाल लालियो शुरुआत करते हैं पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली अभी हिम्मत मत हारना अभी हिम्मत मत हारना अभी तो एक आधे घंटे की और क्लास है लेकिन ज्यादा बेटर ही हो जाएगा कि आज ही समापन हो जाएगा तो आप भी रिलैक्स हो जाएंगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसे पीडीएस सिस्टम कहते हैं उचित मूल्य की दुकानें राशन की दुकानें ये समवर्ती सूची का विषय है लाल लाल इसमें केंद्र के कुछ काम है और राज्य के कुछ काम है केंद्र के क्या काम है केंद्र उसके लिए अनाज की खरीददारी करता है केंद्र उसके लिए अनाज का भंडारण करता है केंद्र उस अनाज को उचित मूल्य की दुकानों तक या राज्य सरकारों तक पहुंचाता है केंद्र हर राज्य को थोक आवंटन करता करता है है और केंद्र ही उसके लिए कीमत तय करता है कि आप उसे कितने में बेचोगे राज्य क्या करता है तो राज्य डीलर्स का चयन करता है जो राशन की दुकान खोलेगा नए लाइसेंस जारी करता है राज्य तय करता है कि कौन बीपीएल है कौन एपीएल है किसको कितना अनाज दिया जाएगा यह राज्य के द्वारा तय किया जाता है साथ ही साथ राज्य तय करेगा कि किसे कितना अनाज दिया जाएगा आवंटन की मात्रा भी निर्धारित करता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली कम कीमत पर अनाज के वितरण और आपातकालीन स्थितियों में प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए लाई गई एक प्रणाली है 1947 में शुरू किया गया लेकिन उस समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली ऐसी नहीं थी जैसी हम देख रहे हैं भारत सरकार के उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित है केंद्र राज्य सरकारों के द्वारा संयुक्त रूप से काम होता है फूड कॉरपोरेशन इंडिया पीडीएस के लिए खरीद और रखरखाव का कार्य करता है और राज्य सरकारों को राशन और अन्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण सुनिश्चित कराता है 1960 में पहले इसे अभावग्रस्त क्षेत्र में लाया गया था शहरी अभावग्रस्त क्षेत्र क्योंकि गांवों में जनरली अनाज मिल जाता था लेकिन शहर के जो बहुत ही गरीब क्षेत्र होते थे वहां पर अनाज की कमी हो जाती थी तो 1960 में यह केवल शहरी क्षेत्रों में शुरू किया गया था 70 और 80 के दशक में उच्च गरीबी वाले क्षेत्र में भी इसे शुरू किया गया उन्नीस की नरसिम राव सरकार के द्वारा संपूर्ण भारत में इसे लागू किया गया और 97 में अटल बिहारी सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लाई टारगेटेड पीडीएस सिस्टम लाया जिसके तहत उन्होंने दो तरीके के लोग बनाए एक लोगों को कहा गया एपीएल और दूसरे लोगों को कहा गया बीपीएल और फिर तय किया गया कि एपीएल को किस भाव में मिलेगा और बीपीएल को किस भाव में वर्ष 2000 में अंत्योदय योजना लाई जिसमें एक रुपए, दो रुपए तीन रुपए के भाव तय हुए खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लगभग 50 प्रतिशत आबादी को इसके माध्यम से अनाज उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई 2017 में प्रति व्यक्ति वितरण प्रणाली का प्रारंभ किया गया कि हर व्यक्ति को इतना सामान मिलेगा और 2020 में वन नेशन वन कार्ड लाया गया कि वो जो राशन की दुकान का कार्ड है वो पूरे भारत में किसी भी दुकान में लागू रहेगा चल पाएगा और आप सामान खरीद सकते हैं पीडीएस का उद्देश्य है लाभार्थियों को मूल्य की अस्थिरता और मुद्रा मुद्रास्पीति से बचाना गरीबों को महंगाई से बचाना गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना गरीबी उन्मूलन क्योंकि इसके माध्यम से जब उन्हें भोजन पर्याप्त मिल जाएगा तो वह बेहतर काम कर पाएंगे कुपोषण की समस्या को दूर करना स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निजात पाना पर पीडीएस सिस्टम के दोष बहुत सारे हैं सबसे पहला दोष तो है आप यहां पर पीडीएस के माध्यम से गेहूं चावल बांट रहे हैं तो क्या शरीर को केवल गेहूं चावल की जरूरत पड़ती है प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ती है मिनरल्स की जरूरत नहीं पड़ती है तो पीडीएस में ये उपलब्ध नहीं होता है पीडीएस में सबसे बड़ी खामी है एक्सक्लूजन और इंक्लूजन एरर जिनको लाभ मिलना चाहिए वो बाहर है जिनको नहीं मिलना चाहिए वो अंदर है पीडीएस में लीकेज की भी प्रॉब्लम है सरकार बेहतरीन अनाज निकालती है लेकिन दुकान तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाता है कि अनाज खराब निकलता है सरकार निकालती दस क्विंटल है लेकिन पीडीएस तक पहुंचते पहुंचते एक क्विंटल रह जाता है तो बात बीच में ये नौ क्विंटल कहां गायब हुआ इसे कहते लीकेज की प्रॉब्लम पीडीएस में मुख्यतः गेहूं चावल चीनी केरोसिन मिलता है जो केवल भोजन की पूर्ति करता है पोषण की नहीं संवैधानिक विधानों में निदेशक तत्व का अनुच्छेद सैतालीस पोषक तत्वों की लोगों तक पहुंच सुनिश्चित कराता है जो कि पीडीएस के द्वारा नहीं हो पाता है समावेशन और निष्कासन त्रुटि जिन्हें आवश्यकता है वे बाहर है और जिन्हें आवश्यकता नहीं वे इसका लाभ ले रहे हैं इसी कारण से पीडीएस को प्रतिगामी विकास तंत्र कहते हैं

वाधवा जी की अध्यक्षता में कमिटी बनाई थी इसने 2007 में अपनी रिपोर्ट की रिपोर्ट पेश की और इस रिपोर्ट की शुरुआत में समिति ने क्या कहा लाल ला इस रिपोर्ट की शुरुआत में समिति ने कहा कि सरकार अनाज देकर खुश है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दुकान खोलकर बस बाकी कुछ कोई देखना ही नहीं चाहता है क्या सिस्टम चल रहा है कैसे चल रहा है कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है उन्होंने कहा कि पीडीएस डीलर स्थानीय निवासी होना चाहिए अगर आपने देखा होगा तो अभी तो ही सुधार हुआ है मैं तो पहले राशन की दुकानें इतनी गंदी थी जब मैं छोटा था मैं कई बार जाता था तो वो जो राशन चलाने वाला डीलर था वो दूसरे जगह से आता था कई बार टाइम पर नहीं आता था टाइम पर आता था तो बेचने का काम ही नहीं करता था वो और बहुत चिल्लाता था अपने आप को ऐसा सोचता था कि वो भी एक बहुत बड़ा मंत्री है अब तो थोड़ा सुधर गया है लाइसेंस और पीसीसी सोसाइटी ग्राम पंचायतों को दिया जाए प्राइमरी क्रेडिट कमेटी सेल्फ हेल्प ग्रुप प्राइमरी क्रेडिट कमेटी मतलब जो सोसाइटियां होती उनको दिया जाए उनको दिया जाने लगा उचित मूल्य की दुकानों के आर्थिक वहनता के लिए पीडीएस दुकानों को अन्य वस्तुओं की भी बिक्री का सुझाव साथ ही डिलीवरी में विलंब के लिए जिम्मेदारी निर्धारित हो पीडीएस को पूर्णतः कंप्लीट करने का सुझाव फिर आई शांता कुमार कमेटी, 2014 में एफसीआई के पुनर्गठन और कृषि सुधार पर सुझाव देने के लिए शांता कुमार समिति बनाई देखना शांता कुमार साहब कहते हैं देखो भी चीन का पॉलिसी अपनाओ। चीन में ना तो ऐसा कोई पीडीएस सिस्टम है ना एमएसपी है देखो एमएसपी के माध्यम से आप किसानों को लाभ देना चाहते हैं और किसानों से जो अनाज खरीदते वो गरीबों को बांटना चाहते हैं शांता कुमार कहते सब बंद कर दो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किसानों को तय कर दो कि इतना पैसा देना है प्रति हेक्टेयर और गरीबों को तय कर दो कि प्रति परिवार इतना पैसा देना है और ये जो पूरा तुम लोगों ने सिस्टम बना के रखा है पीडीएस फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फिर ये मंडी वो मंडी ये सारा खर्चा खत्म हो जाएगा तो जो पैसा बचेगा वो किसानों को बांट देना इससे किसान भी खुश किसान अपनी मर्जी से मार्केट में कैसा भी बेचे आप उसकी मदद कर ही रहे हैं गरीब मार्केट से खरीद कर आ जाएगा क्योंकि वो आप उसको पैसा दे भी रहे हैं तो शांता कुमार साहब कहते कि सब बंद कर दीजिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करा दीजिए समिति ने कृषि नीति खाद्य उर्वरक पर सब्सिडी को तर्क संगत बनाने और एफसीआई के पुनर्गठन पर कई कड़े सुधारों की सिफारिश की कृषि संबंधी विधेयक खेती की सूरत बदल देगा लेकिन अगला लक्ष्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को युक्ति संगत बनाना था तो शांता कुमार कमेटी की सिफारिश अभी तक लागू नहीं हुई क्योंकि लागू भी नहीं कर सकते हैं फिर आया खाद्य सुरक्षा अधिनियम दो एक गरिमामय जीवन जीने के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करता है भारत विश्व का पहला देश बना जिसने अपने नागरिकों को फूड सिक्योरिटी दी ग्रामीण क्षेत्र की पिछहत्तर प्रतिशत आबादी और शहरी क्षेत्र की पचास प्रतिशत आबादी को इसमें कवर किया गया है पात्र व्यक्तियों को चावल तीन रुपए के भाव से गेहूं दो रुपए के भाव से और मोटा अनाज एक रुपए के भाव से बेचा जाता है गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चे के जन्म के छह माह बाद भोजन के अलावा कम से कम छह हजार रुपए का मात्रत्व लाभ दिया जाता है अधिनियम के तहत प्रावधान किया गया है कि अठारह वर्ष से अधिक उम्र की महिला को ही घर का मुखिया माना जाएगा और राशन कार्ड भी उसी महिला के नाम पर जारी किया जाएगा महिला सशक्तिकरण तो कहीं ना कहीं इसके माध्यम से जो गरीब से गरीब व्यक्ति उसे भी आसानी से भोजन तो मिल जाएगा भाई फिर आया आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम दो अधिनियम के माध्यम से सरकार ने अनाज दलहन तिलहन खाद्य तेल प्याज और आलू आदि को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रस्ताव किया इसका मतलब है कि अब व्यापारी असीमित मात्रा में अनाज दाले तिलहन खाद्य तेल प्याज और आलू इकट्ठा करके रख सकते हैं अधिनियम में व्यवस्था की गई कि युद्ध अकाल और प्राकृतिक आपदा जैसी परिस्थितियों में इन कृषि उपजोग की कीमतों को नियंत्रित किया जा सकता है लेकिन अब परिस्थितियां सामान्य है तो अब इन्हें कोई आवश्यक वस्तु रखने की जरूरत नहीं इसे पूरी तरह से बाजार पर छोड़ देते हैं किसानों की आपत्ति की जमाखोरी को कानूनी मान्यता देने से सिर्फ व्यापारियों को फायदा होगा किसानों को नहीं साथ ही प्याज आदि की कीमतें बढ़ने का भय रहेगा वही सरकार का कहना है कि यह कानून 1950 में तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लाया गया था जब देश में खाद्य संकट था अब आते हैं फूड प्रोसेसिंग फूड प्रोसेसिंग क्या है भाई हमारा जो अनाज होता है जो कच्चा उत्पादन होता है जो फ... किसान को प्राप्त होता है उसकी उतनी कीमत नहीं होती जितना कि प्रोसेस्ड फूड की जैसे एक पिज्जा एक पिज्जा को बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा आधा किलो आटा लगता है एक पिज्जा को बनाने के लिए सारे सामानों को अगर आप जोड़ दे तो 50 से लेकर 100 रुपए का खर्चा लगता है लेकिन एक पिज्जा 800 रुपए में बिकता है क्योंकि वो प्रोसेस्ड है तो जब अनाज प्रोसेस करके भेजा जाएगा ब्रेड बनाकर अचार बनाकर मुरब्बा बनाकर पापड़ बनाकर या ब्रेड बना या पिज्ज़ा बनाकर बर्गर बनाकर तो उसे कहते प्रोसेस फूड और आने वाले समय में ये इंडस्ट्री भी डेवलप होने वाली है तेजी से क्योंकि कई सारे विकसित देशों के जैसा भारत में भी अब कई सारे लोग अपने यहाँ पर कोई भी खाना बनाएंगे नहीं बल्कि सीधा खाना मंगवाएंगे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का तात्पर्य ऐसी गतिविधियों से जिसमें प्राथमिक कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण कर उनका मूल्यवर्धन किया जाता है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग अर्थव्यवस्था के दो स्तंभ यानी कृषि और उद्योग के बीच की महत्वपूर्ण संबंध और तालमेल को बढ़ावा देता है प्राथमिक प्रसंस्करण का मतलब होता है चावल चीनी खाद्य तेल और आटा मिल जिसमें आप केवल और केवल चावल को साफ करके चीनी को बेहतर करके खाद्य तेल को निकाल के बेचते हैं और दूसरे होते हैं जैसे फल सब्जियां डेयरी बेकरी चॉकलेट और जो सबसे वेल आ, मतलब तीसरे लेवल के खाद्य प्रसंस्करण है जिसमें बर्गर पिज्जा अचार इस तरीके की चीजें आती है खाद्य प्रसंस्करण का महत्व क्या है खाद्य पदार्थों की उत्तर जीविता बढ़ जाती है जैसे अचार के बाद वो चीज़ लंबे समय तक चलती है किसानों को अतिरिक्त लाभ मिल सकता है नई आर्थिक क्रियाओं को बढ़ावा मिलेगा रोजगार के नए अवसर आएंगे पोषण स्तर भी सुधरेगा क्योंकि अलग अलग भोजन मिल पाएगा खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी और निर्यात भी बढ़ सकता है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में भारत की स्थिति बहुत ठीक नहीं है भारत की कृषि उत्पादन में मजबूती के बावजूद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग अभी भी शैशव अवस्था में है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में उत्पादित फलों और सब्जियों का कुल दो प्रतिशत दूध का पैंतीस प्रतिशत और मांस का इक्कीस प्रतिशत और कुक्कुट का छह प्रतिशत ही उपयोग हो पाता है हमारे देश में खाद्य प्रसंस्करण की स्थिति उतनी बेहतर नहीं है जितनी कि कृषि उत्पादन की स्थिति होने पर होनी चाहिए थी क्योंकि हमारे यहाँ पर पैकेज फूड भले ही देश में लोग नहीं खाते लेकिन निर्यात करने के लिए भी नहीं किया जाता है भारतीय खाद्य और घरेलू सामानों का बाजार विश्व का छठा सबसे बड़ा बाजार है जिसमें खुदरा बाजार 70 प्रतिशत की बिक्री करता है चीन के बाद भारत खाद्य पदार्थों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है विशाल जनसंख्या बढ़ती आर्थिक समृद्धि के कारण भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए बड़ा बाजार उपलब्ध है वर्तमान में देश में लगभग तीन अरब डॉलर मूल्य के खाद्य पदार्थों की खपत होती है और 2025 तक यह एक ट्रिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंच जाने की संभावना है चुनौतियां क्या हैं? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में संगठित क्षेत्र की भूमिका अभी भी ज्यादा नहीं है अभी भी असंगठित क्षेत्र के लोग छोटे छोटे एमएसएमई सूक्ष्म उद्योग लघु उद्योगी लगे हुए हैं बुनियादी अवसरचना का अभी भी अभाव है शीत भंडार वेयर हाउस की उतनी क्षमता नहीं है खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में एक व्यापक राष्ट्रीय नीति नहीं है रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं है किसानों में शिक्षा और जागरूकता की कमी और सरकार भी अभी इस क्षेत्र में उतना काम नहीं कर रही है अब बात करते हैं भारत की कुछ महत्वपूर्ण फसलें भारत में कुल बोए गए क्षेत्र में लगभग चौवन प्रतिशत भाग पर अनाज बोया जाता है विश्व का लगभग ग्यारह प्रतिशत अनाज उत्पन्न करके अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरे नंबर पर आता है अनाज उत्पादन में अनाज की संरचना के आधार पर खाद्यान्नों को अनाज और दालों में वर्गीकृत करते हैं भारत में अगर आप देखेंगे तो राइस वीट ज्वार और बाजरा इन क्षेत्रों में बोया जाता है जिसे आप देख सकते हैं ये वाला पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर होने के कारण इसके बारे में जानकारी नहीं है चावल चावल कैसी फसल है एक उष्ण आद्र कटिबंधीय फसल है इसे दोमट मिट्टी अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर और तापमान 30 डिग्री सेल्सियस मिलना चाहिए भारत विश्व का 22 प्रतिशत चावल उत्पादन करता है और चीन के बाद भारत विश्व में दूसरे नंबर पर है देश के कुल बोए क्षेत्र का एक चौथाई भाग चावल ही बोया जाता है गेहूं शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है रबी की फसल है भारत में चावल के पश्चात गेहूं दूसरी प्रमुख अनाज फसल है भारत विश्व का बारह प्रतिशत गेहूं उत्पादन करता है देश के कुल बोए क्षेत्र का चौदह प्रतिशत भाग औसत तापमान साढ़े पंद्रह डिग्री सेल्सियस और वर्षा अस्सी सेंटीमीटर लगती है मध्यम तापमान और मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है दाले नाइट्रोजन योगीकरण के द्वारा मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरकता तो बढ़ाती ही है लेकिन प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है भारत विश्व की लगभग 20 प्रतिशत दाले उत्पन्न करता है दालों के बारे में याद रखना भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता और सबसे बड़ा आयातक भी है मतलब इतना उत्पादन करने के बावजूद भी दाले कम पड़ जाती है तो आयातक भी है भारत देश में दालों के अधिकतर दक्कन पठार मध्य पठारी भाग और उत्तर पश्चिम के शुष्क भागों में की जाती हैं। देश के कुल बोए गए क्षेत्र का 11 प्रतिशत दालों के अधीन है कपास एक उष्ण कटिबंधीय नगदी फसल है कपास एक वाणिज्यिक फसल है विश्व में चीन अमेरिका और पाकिस्तान के बाद चौथे स्थान पर है विश्व के समस्त कपास उत्पादन का आठ भाग और समस्त बोए गए क्षेत्र का चार दशमलव सात प्रतिशत काली मिट्टी इसके लिए प्रसिद्ध है उसे रेगर मृदा भी कहते हैं और तीन सौ दिनों वाला सूर्य प्रकाश चाहिए कपास के बेहतर उत्पादन के लिए जूट पश्चिम बंगाल और इससे पूर्वी भागों के एक व्यापारिक फसल है और जूट देश के कुल शस् क्षेत्र का पॉइंट फाइव प्रतिशत भाग पर बोया जाता है मोटे वस्त्र थैला बोरे और सजावटी सामान बनाने में उपयोग करते हैं गन्ना एक उष्ण कटिबंधीय फसल है परंतु भारत में इसकी खेती अधिकतर सिंचित क्षेत्र में होती है पानी बहुत लगता है गन्ने को ब्राजील के बाद भारत दूसरा बड़ा गन्ना उत्पादक देश है यहाँ विश्व के तेईस प्रतिशत गन्ने का उत्पादन होता है देश के कुल सस्य क्षेत्र का दो दशमलव चार प्रतिशत भाग पर कृषि होती है और उत्तर प्रदेश में देश का चालीस प्रतिशत गन्ना उत्पादित होता है भारत में जो फसलों का पैटर्न है वो कई कारकों पर निर्भर करता है भारत में फसलों के पैटर्न में प्राकृतिक कारक मतलब मृदा कौन सी है सामाजिक कारक वहाँ के लोग उस फसल को बोना जानते हैं कि नहीं आर्थिक कारक उस फसलों को लगने वाली आर्थिक आवश्यकताएं किसान उठा पाएगा कि नहीं टेक्नोलॉजी है कि नहीं सरकार का सपोर्ट है या नहीं जागरूकता और शिक्षा ऐसे कई कारक है जो भारत में फसल का निर्धारण करते हैं भारत में फसलों का वर्गीकरण मौसम पर आधारित किया जाता है तीन भागों में रबी की फसल खरीफ की फसल जायत की फसल प्रयोग के आधार पर होता है कि वहां पर मिश्रित फसल है या कैसी और पैटर्न पर आधारित आइए देखना पैटर्न पर आधारित का मतलब एकल फसल वहां साल भर में बोई जाती है दोहरी फसल मतलब दो फसल और मिश्रित फसल का मतलब एक साथ कई फसलें यहां मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा सस्य गहनता जरा इस बिंदु को समझ लेना यहां पर सस्य गहनता सस्य गहनता का मतलब होता है कुल बोया गया क्षेत्र अपॉन में शुद्ध क्षेत्र जिसे मान लीजिए मेरे पास दस हेक्टेयर जमीन है मैंने दस हेक्टेयर में दस हेक्टेयर में पहले कपास या चावल बोया खरीफ के मौसम में रबी के मौसम में मैंने आठ हेक्टेयर और जायद के मौसम में चार हेक्टेयर तो मैंने कुल बाईस हेक्टेयर जमीन साल भर में बोई जमीन दस हेक्टेयर ही थी मेरी लेकिन पहले चार महीने पूरी दस हेक्टेयर जमीन का उपयोग किया फिर आठ हेक्टेयर फिर चार हेक्टेयर का तो मैं कहूंगा परसेंटेज अगर निकालना है तो 220 परसेंट मेरी गहनता है तो जहा एकल फसल बोई जाती है वहां सस्य गहनता सौ मिलती है और जहां दोहरी फसल आती है वहां जनरली सस्य गहनता दो सौ तक मिल सकती है जहां दो तक सस्य गहनता मिलती है उसे सघन कृषि या गहन कृषि कहते हैं गहन कृषि कहते हैं फिर प्रयोग पर आधारित फसलें कमर्शियल क्रॉप और खाद्यान्न फसलें दो तिहाई खाद्यान्न फसलें उगाई जाती है भारत में मौसम के आधार पर फसलों का वर्गीकरण खरीफ की फसलें यह जून जुलाई में बोई जाएगी ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और यह मार्च अप्रैल के मौसम में खरीफ की फसल फसलों की बोआई जून जुलाई तक की जाती है और यह फसलें सितंबर अक्टूबर माह में पक्कर कटाई के लिए तैयार हो जाती है धान मक्का ज्वार बाजरा जूट ग्वार कपास पटसन रागी मूंग लोबिया मूंगफली रबी की फसलें कम तापमान पर छोटे दिनों वाली अवस्था और कम प्रकाश चाहने वाली होती हैं। इन फसलों की बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है मार्च अप्रैल तक पककर तैयार हो जाती हैं। इनकी कटाई के समय तापमान में वृद्धि होनी चाहिए जौ चना बरसीम, सरसों मटर आलू गेहूं जायद की फसलें सिंचाई जल की पक्की व्यवस्था हो तो इन फसलों की बोआई की जाती है अप्रैल मई में पक्कर अप्रैल मई में पक्कर कटाई के लिए तैयार हो जाती है प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करके उगने की क्षमता होती है ककड़ी खरबूजा खीरा तरबूज टिंडा पर यह केवल उत्तर भारत में है लाल लाल दक्षिण भारत में रबी में चावल की फसल बोई जाती है उत्तरी भारत में तो दक्षिण भारत में चावल बोया जाता है ये थोड़ा सा उल्टा कर दिया है हमारी टीम ने खरीफ है ये रबी है तो जरा ध्यान से देखना मैंने ये टेबल क्यों बनाया क्योंकि कई सारे लोग जब दक्षिण भारत के पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि भाई हमारे यहां तो चावल रबी के मौसम में भी बोया जाता है जबकि चावल तो खरीफ की फसल तो ये जो सारा वर्गीकरण अभी आपको मैंने दिया था ये उत्तर भारत का है दक्षिण भारत में तो चावल खरीफ की भी फसल है रबी की भी फसल है जायद की भी फसल है मक्का खरीफ की भी फसल है और रबी की भी फसल है दक्षिण भारत में क्यों क्योंकि दक्षिण भारत में मौसम लगभग एक जैसा रहता है आप अगर दक्षिण भारत को देखेंगे तो ये जो दक्षिण भारत है यहाँ पर समुद्र आ जाता है इस कारण से मौसम लगभग एक जैसा रहता है इसलिए भली थोड़ा आपको लगेगा बट याद रखना ये चीज देश के समस्त बोए गए क्षेत्र में दो तिहाई भाग खाद्यान्न फसलों का है एक तिहाई भाग वाणिज्यिक फसलों का है भारत में कृषि संक्षिप्त में समझ लेते हैं अब संविधान की अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची का विषय है 2006 में कृषि को संवर्ती सूची में डालने की सिफारिश की गई थी इस सिफारिश को अस्वीकार कर दिया गया जो राष्ट्रीय कृषि आयोग स्वामीनाथन की अध्यक्षता में बनाया गया क्योंकि इसे केंद्र और राज्यों के मध्य तनाव उत्पन्न होने की संभावना है साथ ही पंचायतों के माध्यम से केंद्र के बजाय राज्यों को कृषि में अधिक सक्रिय और प्रभावी भूमिका निभाने में सक्षम माना गया भारत जब गुलाम था उपनिवेशिक था ब्रिटिश शासन था, उस समय कृषि की स्थिति बहुत दयनीय थी ब्रिटिश कालीन अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि आधारित थी लगभग पिचासी प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी उस समय आजादी से पहले कृषि उत्पादन में वृद्धि किंतु उत्पादकता निरंतर गिरावट आ रही थी कृषि क्षेत्र की उत्पादकता मतलब प्रति हेक्टेयर कृषि क्षेत्र की गतिहीनता का प्रमुख कारण दोषपूर्ण भू राजस्व प्रणाली थी किसानों से ज्यादा से ज्यादा टैक्स लिया जाता था कृषि का व्यवसायीकरण किया गया लेकिन इसका लाभ किसानों को नहीं बल्कि ब्रिटिशरों को मिला प्रौद्योगिकी उतनी अच्छी नहीं थी सिंचाई की सुविधाओं का अभाव था उर्वरक की कमी थी ऋण का अभाव था निवेश किया ही नहीं गया अंग्रेजों के द्वारा 1950 से 90 तक में भारतीय कृषि में क्या हुआ स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कृषि में सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ इस समय भूमि सुधारों के रूप में हदबंदी और चकबंदी जैसी संकल्पनाएं आई कृषि में निवेश को बढ़ाया गया तीसरी पंचवर्षीय योजना केवल इकलौती ऐसी योजना है जिसमें नकारात्मक वृद्धि रही हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ योजनाओं का 66 से 69 के बीच में और फिर Uh, हम कहेंगे कि बानवे से संतानवे के बीच में दूसरी हरित क्रांति का टाइम रहा बारहवीं पंचवर्षीय योजना में भी थोड़ा बहुत काम किया गया अब आते करंट अफेयर पर वन नेशन वन कार्ड योजना केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने 30 जून 2020 से पूरे देश में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू कर दी है क्या है योजना इस योजना के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाले लाभार्थी देश के किसी भी भाग में खाद्यान्न प्राप्त करने में सक्षम है इसके माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का ही फायदा लिया जा सकेगा यदि कोई राज्य अपने स्तर पर अपने नागरिकों के लिए किसी प्रकार की खाद्य सुरक्षा योजना चला रहा है तो अन्य राज्य के नागरिकों को इसका लाभ नहीं मिलेगा इसका फायदा मिलेगा खास करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम को इसका लाभ मिलेगा अधिकतर उनके लोगों को जो प्रवासी लोग होते हैं फिर एक खाद्य प्रसंस्करण के लिए राष्ट्रीय मिशन 2012 में लाया गया केंद्रीय खाद्य और प्रसंस्करण मंत्रालय के द्वारा देश में विकेंद्रीकृत रूप से खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े प्रयासों और योजनाओं को बेहतर करने के लिए फिर योजना ही संपदा योजना स्कीम फॉर एग्रो मेराइन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर 2016 में शुरू की गई एक अमरेला स्कीम है खाद्य संसाधन मंत्रालय के द्वारा और कृषि को पूरक बनाना मतलब इस प्रो, फूड प्रोसेसिंग को कृषि का सहायक बनाना ताकि किसानों की आय को बढ़ाया जा सके फिर राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति 2020 आई हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति के मसौदे को सार्वजनिक किया इस नीति के अंतर्गत भारत के राष्ट्रीय खाद्य ग्रिड इंडियाज नेशनल फूड ग्रिड और राष्ट्रीय शीत श्रृंखला ग्रिड नेशनल कोल्ड चेन ग्रिड का निर्माण किया जाएगा एक जाल बनाया जाएगा भारत के अंदर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का और कोल्ड स्टोरेज का देश के कोने कोने में इसका मार्केट तैयार होगा इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण विकास परिषद बनाया जाएगा कृषि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में राज्य सरकार उद्योग संघ और भारत सरकार के संबंधित विभाग इसमें शामिल होंगे और वो बताएंगे कि फूड प्रोसेसिंग को कैसे मजबूत किया जा सकता है फिर आइए पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजना है आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 2020-21 से वर्ष 2024-25 तक पांच वर्षों की अवधि में लागू किया जाएगा केंद्र प्रायोजित योजना का मतलब होता है कि केंद्र और राज्यों की सहयोग से दस हजार करोड़ रुपए का खर्च इस योजना में किया जाएगा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए एक जून 2019 को लागू किया गया इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को साठ साल की उम्र के बाद तीन हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलेगा वही किसान पात्र होंगे जिनके पास दो हेक्टेयर या इससे कम भूमि होगी और अठारह से चालीस वर्ष की आयु होगी योजना में सरकार पहले तीन वर्षों में लगभग पांच करोड़ लाभार्थियों को कवर करेगी अगर किसी कारणवश लाभार्थी किसान की मृत्यु हो जाती है तो पेंशन राशि उसकी पत्नी या पति को मिलेगा भारतीय जीवन बीमा निगम पेंशन निधि प्रबंधक पेंशन भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा योजना के लिए 18 से चालीस वर्ष पांच हेक्टेयर या उससे कम भूमि होनी चाहिए आवेदन के पास एक खाता होना चाहिए और उसका इनकम टैक्स नहीं होना चाहिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए एक फरवरी 2019 से लागू किसानों को न्यूनतम आय का आश्वासन देती है जिनकी भूमि दो एकड़ से कम है इस योजना का लाभ उठा सकते दो एकड़ से कम छोटे और सीमांत किसानों को छह हजार रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे सहायता राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में केंद्र सरकार राशि को दो दो हजार रुपए की तीन किस्तों में देती है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 18 नवंबर 2014 को लॉन्च एक सर्टिफिकेट योजना है जो पहली बार उन्नीस में लॉन्च की गई थी एक हजार पांच हजार दस हजार पचास हजार की राशि को सौ महीने में दोगुना करने का प्रावधान है किसी एक व्यक्ति या ज्वाइंट नाम पर सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं जिसका कर्ज लेने के क्रम में इस्तेमाल किया जाता है शायद इसका नाम देखना यह नहीं है कुछ दूसरा नाम है एक बार नाम कमेंट्स कर लीजिएगा फिर है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम फरवरी 2015 को राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में योजना की थीम है स्वस्थ धरा हरा सरकार इसके तहत किसानों को उनकी कृषि भूमि की, की उर्वरता के आधार पर स्वाइल हेल्थ जारी करती है और उनकी जमीन में जिस चीज की कमी है उस फर्टिलाइजर पर सब्सिडी देती है इस कार्ड में मिट्टी की जांच के बाद इस बात की जानकारी रहती है कि मिट्टी में किन उर्वरक की जरूरत है साथ ही इनमें कौन से फसल बेहतर हो सकते हैं फिर ग्रामीण युवा किसान जिनकी आयु 40 वर्ष तक है मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना और नमूना परीक्षण कर सकते हैं मूल उद्देश्य रासायनिक खादों के अविवेकपूर्ण अव इस्तेमाल को रोकना है इससे न केवल किसानों का आर्थिक बोझ कम होगा बल्कि मृदा की पोषकता में भी वृद्धि होगी फिर कृषि कल्याण अभियान कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा एक जून 2018 से शुरू 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना इस अधिनियम के तहत किसानों को उत्तम कृषि तकनीक और आय बढ़ाने के बारे में सहायता और सलाह प्रदान की जाएगी तो कल तैयार रहिएगा कल दस बजे बैक टू बैक फिर क्लास है कल दस बजे की कक्षा और लंबी होगी क्योंकि वो सोलह वीडियो की पहली क्लास है कल मुलाकात करेंगे एक और अद्भुत मैराथन के साथ आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद आप लोग कई सारे निरंतर बने रहें जिन लोगों ने शुरू से लेकर आखिर तक क्लास की यह क्लास उन विद्यार्थियों को मैं डेडिकेट और समर्पित करता हूँ उन सभी विद्यार्थियों तक इस कक्षा को पहुँचाइए जो कृषि में एक रिवीजन करना चाहते हैं नए विद्यार्थियों तक पहुंचाइए जो कृषि में एक बेसिक समझ विकसित करना चाहते हैं ताकि एक क्लास के माध्यम से उन्हें कृषि हल्का पुल्का समझ में आना शुरू हो जाएगी तो सभी को बेस्ट ऑफ लक अपना ख्याल रखिएगा घर से बाहर नहीं निकलिएगा जितना ज्यादा सुरक्षित रह सकते हैं अपने आप को बनाए रखने की कोशिश करिएगा सभी को बेस्ट ऑफ लक बाकी जब भी आप अनकेडमी पर सब्सक्रिप्शन ले तो एमके लाइव रिफर कोड उपयोग करिएगा अपने अड़ोस पड़ोस में भी बताते